प्रेसिडेंशियल कमेंट के लिए लोग जुड़ चुके हैं, मेजर जनरल अमिल कुमार शौरी जी, और हम अपना कार्यक्रम आरंभ करते हैं। पूरा समय हो गया है, तो समय की मर्यादा का ध्यान रखते हुए तो आज की इस परिचर्चा में, जब हिंदुस्तान का नया इतिहास लिखा जाने लगा, नए पन्ने लिखे जाने लगे इतिहास में, तो ऐसे उस दिनों को जानने के लिए, उन दिनों को एक बार फिर से समझने के लिए आज की ये परिचर्चा हम लोगों ने आयोजित की है। सरकारी स्तर पे जब हम चर्चाओं को करते हैं, सरकार हमें ये बताती है कि आप कि प्रजा को या लोगों को इन इन विषयों के बारे में उनकी उनको चर्चा करनी चाहिए, उनकी जानकारियां होनी चाहिए, तो ये अपने आप में बड़ी एक अलग सी बात होती है, क्योंकि सरकार हमें ये बताए कि हमें कौन से दिन मनाने चाहिए और कौन से दिन हमें नहीं मनाने चाहिए, तो वो एक अलग बात होती है। लेकिन जो एक सांस्कृतिक दृष्टिकोण होता है, उससे परिस्थिति बिल्कुल अलग हो जाती है। तब हमें ये लगता है कि हम एक अपनी चीजों के बारे में, अपनी पृष्ठभूमि के बारे में, अपने इतिहास के बारे में, अपने सांस्कृतिक मूल्यों के बारे में, और जिसको हमने 130 करोड़ लोगों ने जिसे स्वीकार किया है, उसको जब हम स्वीकार करते हैं, तो एक वो बड़े सुखद अनुभव देने वाली बात होती है। मुझे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है कि क्योंकि बहुत सारे लोग बीच में एडमिट हो रहे हैं, तो वो कई बार बीच में एडमिशन उनका करना पड़ता है। तो आज का ये जो दिन है, कॉन्स्टिट्यूशन एंड राम राज्य, और इसको हम आज इसके विषय में चर्चा कर रहे हैं, जब सरकारी तौर पे इसे घोषित किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन डे के नाम से, और आप सभी जानते हैं कि 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है, और जब उसकी इम्प्लीमेंटेशन 26 जनवरी को हुई, उसको स्वीकृति प्रदान कर दी गई, वो प्रभावी हो गया, तो वो 26 जनवरी को हो गया। अब इस विषय में चर्चा करने वाली जो बातें हैं और समझने वाली जो बातें हैं, उन विषयों को और आने से पूर्व मैं इसको बातें आपसे और चाहूंगा। कृपया आप लोग अपना माइक म्यूट कर दीजिए, प्लीज अपना माइक म्यूट कर दीजिए। नीता जी, इस तरह से दिक्कत होती है, कुछ एक मर्यादाएं होती हैं, आप सबको पता है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। ललित जी, आप प्लीज अपना अपने को अपना शेयर मत कीजिए, स्क्रीन शेयर मत कीजिए। ये दोबारा मुझे करना पड़ेगा। इस तरह की जो दिक्कतें हैं, उनको हमें समझना चाहिए। अब हम लोगों ने इतने सेमिनार्स लगा लिए हैं, तो इस विषय को हम लोगों को समझना चाहिए, गलत हो जाता है। ये इसके ऊपर एक सेकेंड, मुझे लगता है कि एक बार ये सारे लोग एडमिट हो जाएं, तो फिर हम बात शुरू कर पाएंगे। अब ठीक है।
तो आज की इस परिचर्चा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि किसी भी परिचर्चा के लिए, किसी भी बातचीत करने के लिए दो ही तरीके हैं, या तो सरकार आपको बताए या वहां की जनता या वहां के लोग इतने सशक्त और इतने जागरूक हों कि वो कुछ बातों को स्वयं ही स्मरण रखें और उसके ऊपर समय समय पर चर्चा करते रहें, ताकि हम उन मूल्यों को समझ सकें, उन मूल्यों पे पड़ने वाली जो समय की परत है उसको झाड़ सकें। और उसका लाभ ये होता है कि जो आने वाली जनरेशन होती है, आने वाले जो लोग होते हैं, आने वाली जो पीढ़ी है, वो सजग होती रहती है, वो उसमें गुण दोष के आधार पे उसके साथ जुड़ती चली जाती है और आगे के आगे चल करके हमारा जो समाज है वो ज़्यादा बेहतर बनता है, जो कि हम अपेक्षा करते हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से, जो संविधान जिसको हमने आत्मार्पित किया है, हालांकि ये भाषा बड़ी अजीब सी है, लेकिन इस संविधान के मूल्यों को हम आगे अग्रसर कर सकें और इसके आधार पर हम अपने समाज का निर्माण कर सकें। लेकिन जब ऐसे आप विषयों को लेने लगते हैं तो निश्चित रूप से आपके सामने दो समस्याएं बड़ी भारी आती हैं। एक और तो संविधान की जो मूल्य हैं, संविधान में जो कुछ बातें कही गई हैं जिनके बारे में मैं आपका परिचय कराऊंगा संक्षेप में, वो एक पूरा एक बौद्धिक पैराडाइम होता है, जहां पर आप उसको स्थापित करते हैं कि देखो हम ये सारी चीजें करने जा रहे हैं और इस इन सारे विषयों के ऊपर आपने केवल बुद्धि से सारी बात की है और सारे समाज को आप उससे नियंत्रित कर लेंगे और अग्रसर होंगे। दूसरा आपका पक्ष होता है जहां आप सांस्कृतिक दृष्टि से हजारों साल से जीते आ रहे हैं। तो सांस्कृतिक मूल्य और जो संविधानिक मूल्य हैं, जब तक इनमें तालमेल नहीं बैठेगा तो संविधान हमेशा आपको इस तरह का एक आभास देगा कि जैसे वो आपके ऊपर लाद दिया गया है, थोप दिया गया है, आप उसको अपने संस्कृति का हिस्सा नहीं बना पाते। और संस्कृति को संविधान उस रूप में मान्यता नहीं देता जिन मूल्यों के आधार पे हम संविधान को खड़ा कर रहे होते हैं। तो संविधान और सांस्कृतिक मूल्य, जब तक इन दोनों को हम साथ नहीं लाएंगे और दोनों में एक सामंजस्य और सामरस्य नहीं बिठाएंगे, संविधान को सांस्कृतिक आधार प्रदान नहीं करेंगे, उसकी जड़ों को संस्कृति में स्थापित नहीं करेंगे, तो संविधान का दुरुपयोग हर पॉलिटिकल पार्टी करेगी, हर वो व्यक्ति करेगा जो जिसके पास कोई शक्ति आ गई, पावर आ गई, वो कैसे मैनिपुलेट करेगा, ये हम आज के होने वाली कई घटनाओं से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और 70 सालों में यही कारण रहा है कि इतने सारे उसमें परिवर्तन भी करने पड़े हैं, संशोधन करने पड़े हैं। तो ये हमारे लिए एक विचार की बात रहेगी। केवल संविधान को दोहरा देना हमारा आज का विषय नहीं है कि संविधान में ये वाले मूल्य हैं तो हमने दोहरा दिया और हमने एक सरकारी औपचारिकता पूरी कर ली, ऐसा कोई विचार हमारा नहीं है। हमारा ये विचार है कि हम संविधान और सांस्कृतिक मूल्य दोनों का तालमेल बिठाएं, सामंजस्य बिठाएं, ताकि संविधान ज़्यादा सशक्त हो और संविधान सशक्त हो और वो उसके मुकाबले में सांस्कृतिक जो जीवन है जिससे भारत की पहचान बनती है, जिससे हम भारत को भारत कहते हैं, उसको वो समर्थ दे, उसका वो सशक्त उसको बनाए। तो इन विषयों के ऊपर चर्चा करने के लिए, व्यापक दृष्टि से चर्चा करने के लिए आज नेशनल कैडेट कॉर्प्स, डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत और SDHDRC सेंटर, ह्यूमन डेवलपमेंट पॉलिसी रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर, महर्षि वाल्मीकि रिसर्च सेंटर, MTST गर्ल्स कॉलेज अम्बाला सिटी, सभी ने मिल करके इस आयोजन को आज किया है। और हमारे साथ मैडम डॉक्टर किरण आगरा जी, जो प्रिंसिपल हैं MTST गर्ल्स कॉलेज की, वो भी हमारे साथ जुड़ी हैं इस वेबिनार में। और हमारे साथ NCC की ओर से डॉक्टर परमजीत कौर जो ANO हैं और मेजर हैं, वो हमारे साथ जुड़ी हैं। डॉक्टर विजय शर्मा कैप्टन जो NCC में ANO हैं, हमारे साथ वो भी जुड़े हैं और उसके अतिरिक्त और बहुत सारे लोग जुड़े हैं, उन सभी का मैं स्वागत करता हूँ। इससे पहले कि मैं आगे की चर्चा शुरू करूं, आज के दो मुख्य वक्ताओं के विषय में आपको मैं बहुत संक्षेप में बताना चाहता हूं। मैंने कोई व्यापक उनके बारे में परिचय नहीं दूंगा, क्योंकि हम लोगों ने उनको सुना भी है, उनसे परिचित भी हैं और हर बार उनकी नई विचारिकता से हम प्रभावित भी होते हैं।
और अगर आपको जीवन में इस तरह के लोग मिल जाते हैं जिनकी ज्ञान में रुचि होती है और एक खुले विचार से खुली बात करने के लिए हमेशा वो उत्सुक रहते हैं, तत्पर रहते हैं, तो ये आपका एक बहुत बड़ा सौभाग्य होता है, उपलब्धि होती है। तो ऐसी ही चर्चा करने के लिए आज जो हमारे साथ मुख्य वक्ता जुड़े हैं, जो लगभग अगले 35-40 मिनट आप लोगों के साथ बातचीत करेंगे, डॉक्टर रविंद्र कुमार गुप्ता जी, जो हेड रहे हैं, एसोसिएट प्रोफेसर रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, आरकेएसटी कॉलेज कैथल, वहां से वो रिटायर्ड हुए हैं और लगभग 30-35 वर्ष उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही पढ़ाया है, तो वो उसके इन्स एंड आउट्स सभी जानते हैं। और मेरी उनके साथ जो चर्चा अक्सर होती रहती है मूल विषयों पर होती है कि इस भारतीय संविधान, जिसे आप भारत का संविधान कहते हैं, उसमें भारतीयता क्या है। हमेशा मेरा एक प्रश्न रहता है, कौन से ऐसे भारतीय मूल्य हैं या भारतीय शब्दावली है जिसे हम ये कह सकें कि ये भारत का संविधान वस्तुतः भारतीय है। और ये बात मैं आगे चल करके आप लोगों के साथ भी साझा करूंगा। और आज के जो प्रेसिडेंशियल कमेंट्स रहेंगे हमारे साथ लगभग 15 मिनट के, मेजर जनरल अमित कुमार पुरी जी, जो डायरेक्टर हैं ह्यूमन डेवलपमेंट पॉलिसी रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर पंचकूला में, वो हमारे साथ जुड़े हैं, उनके प्रेसिडेंशियल कमेंट्स रहेंगे। और उनकी राम राज्य के ऊपर दो पुस्तकें उनकी पब्लिश हुई हैं और उन्होंने वाल्मीकि रामायण को जितने विस्तार से पढ़ा है वो अपने आप में एक कमाल है। उनकी संस्कृत की कोई बैकग्राउंड नहीं, लेकिन जो जिस दृष्टि से उन्होंने देखा समझा है और जितनी निष्ठा से इस सारे बातों को समझा है और जैसी उनकी दृष्टि आगे विकसित हुई है, वो हम सभी के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। और ये आप उनके प्रेसिडेंशियल कमेंट्स में हम सुन पाएंगे। और बीच में अगर हमारे साथ डॉक्टर किरण आंगरा जी जुड़े होंगे तो उनसे भी हम उनके संक्षिप्त सी बातचीत जरूर उनसे लेंगे, जरूर उनसे भी कमेंट्स लेंगे। तो आप दोनों व्यक्तियों का और सभी श्रोताओं का मैं स्वागत करता हूँ, NCC की ओर से, नेशनल कैडेट कोर की ओर से, SD कॉलेज अम्बाला, MDST गर्ल्स कॉलेज अम्बाला सिटी की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चलिए अब सीधे सीधे विषय की ओर आते हैं, क्योंकि बातचीत करने के लिए हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि हमारी बुद्धियां उतनी तैयार नहीं होती कि हम देर तक ज्ञान की चर्चा को सहन कर सकें। इसलिए मैं बहुत संक्षेप में आप लोगों के साथ कुछ एक बातें साझी करता हूं। आप सभी जानते हैं कि जिस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कहा जाता है कि हमने इसको बनाया, जिसके लिए हम बड़ा जोर शोर से जिन बातें को कहते हैं, वो वस्तुतः है आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से लेकर के 1861, 1892, 1901 से लेकर के 1947 तक का एक इस तरह का प्रारूप एडिटेड है, जिसके ऊपर हमने कुछ एक मूल्यों को गढ़ दिया है। और फिर हमने ये बताया कि अब ये डोमिनियन स्टेट नहीं रही है, लेकिन कॉमनवेल्थ की ये स्टेट बन गई है। तो कितनी सारी चीजें हैं जो जब आप उसको पढ़ने लगते हैं, जब आप उसके पन्ने खोलने लगते हैं, तो आपको लगता है कि ये भारतीय संविधान वस्तुतः भारतीय है भी। तो बहुत सारे सवाल उठते हैं, लेकिन अभी वो विषय नहीं है। उस विषय को हमने आगे भी एक बार उठाया था कि भारतीय संविधान में भारतीयता क्या है, वो पिछला एक विषय था और आगे चल करके हम फिर इस विषय को उठाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ हम, क्योंकि आज कॉन्स्टिट्यूशन डे की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं और साथ में राम राज्य की बात करेंगे, तो पहले हम ये देख लें कि हमें जो मूल्य दिए गए हैं उद्देशिका में, प्रियम्बल में, वो कौन कौन से हैं कि सॉवरन स्टेट होगी, सोशलिस्ट होगी, सेकुलर होगी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होगा। एक तरफ तो ये आपको मूल्य दे दिए गए हैं और यहाँ की प्रजा के लिए आप नीचे स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये तो आपका एक ओवरऑल स्ट्रक्चर हो गया। और उस स्ट्रक्चर के बीच में रहने वाले जितने भी लोग हैं, उन लोगों को, जो पीपल जिन्हें आप कहते हैं, जिन्हें आप प्रजा कहते हैं, उनके लिए आपने कुछ एक मूल्य दिए हैं जिसमें जस्टिस, इक्वेलिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी, इन मूल्यों को स्थापित किया है। तो ये आपके आधुनिक काल के मूल्य हैं जो संविधान आपको प्रदान करता है। लेकिन जब आप संविधान से ये प्रश्न करते हैं कि इनके सांस्कृतिक आधार क्या है, लोगों की जीवन शैली के साथ इसका क्या संबंध है, तो आपके सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उपस्थित हो जाता है। दूसरी तरफ आप एक बार आ जाइए
कि जब आप देखते हैं कि राम राज्य की बात होती है, तो राम राज्य की बात करने वाले चार लोग हैं पूरे इतिहास में। आप चार लोगों को देखेंगे जिन्होंने राम राज्य की बात की है। सबसे पहले वाल्मीकि जो हैं, अपने रामायण में इसके विषय में बातचीत करते हैं कि राम राज्य कैसा होना चाहिए। उसका प्रारूप भी आपके साथ मैं एक अगले 2-1 मिनट में शेयर करूंगा। उसके बाद जब इस्लामिक आक्रमण होते हैं और इस्लाम यहाँ पे स्थापित हो जाता है और हिंदुओं पे और बाकी लोगों पे जब बहुत मार पड़ती है, तो उसमें जो सहारा ढूंढते हैं सांस्कृतिक दृष्टि से, तो तुलसी उस सहारे के रूप में, एक आधार के रूप में हमारे सामने राम राज्य को रखते हैं रामचरितमानस में। उसके बारे में भी मैं 1 आध मिनट में आपसे चर्चा करूंगा। तीसरा स्तर, जब हमें अंग्रेजों के काल में आकर के बहुत मार पड़ती है और बहुत अत्याचार सहने पड़ते हैं, हालांकि उनके बारे में हम बहुत कम बात करते हैं, तो गांधी राम राज्य की बात करते हैं। लेकिन गांधी कैसे उस राम राज्य से अपने आप को किस रूप में अलग करते हैं और किस रूप में वो प्रस्तुत करते हैं, वो एक प्रश्न चिन्ह है, उस पर भी हम बात करेंगे। और चौथा, एक जो मुझे लगता है, जब मैं संविधान को थोड़ा बहुत जितना मैंने पढ़ा, उससे मुझे ये लगता है कि क्या हम एक बहुत सरलतम संविधान नहीं दे सकते थे जो यहाँ की भाषा में होता और यहाँ की संस्कृति के अनुकूल होता। तो मुझे लगता है कि अगर मैं तब राम राज्य की बात करूँ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के उसके संदर्भ में, तो सबसे पहले राम राज्य बात करता है संवेदनशील लोगों की, सेंसिबल पीपल, कि इस देश में, इस समाज में क्या आपके संविधान ने सेंसिबल लोगों को उत्पन्न किया कि नहीं किया, उसका आइडिया ऑफ पीपल क्या है। और फिर उसमें सेंसिबिलिटी के साथ साथ आपको पुरुषार्थ का अधिकार है कि नहीं है। पुरुषार्थ में चार चीजें आपको आती हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, और प्लस एषणा त्रय जैसे कहते हैं। ये शब्द आपको संस्कृत के होंगे बड़े पुराने और अजीब लगते होंगे, लेकिन ये बड़े मूल्यवान शब्द हैं जिसमें हर व्यक्ति को ये अधिकार है कि उसको संतान का अधिकार है, धन का अधिकार है और लोक में यश का अधिकार है। और इस सारे को मल्टीप्लाई आपको किससे करना पड़ता है, लोक मंगल से। अगर राम राज्य और लोक मंगल ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ऐसे राम राज्य को आप अस्वीकृत कर सकते हैं, उसकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारे मूल्य, जो एक स्ट्रक्चरल मूल्य दिए गए हैं और दूसरे जो लोगों के मूल्य दिए गए हैं, ये किसके बराबर हैं, ये यहाँ पे स्पष्ट नहीं है। मुझे लगता है इस पे चर्चा डॉक्टर साहब करेंगे गुप्ता जी, और उसको हम देखेंगे। तो समय ज्यादा ना लेते हुए मैं 2-3 बातें और संक्षेप में आपसे करके आगे की बात करता हूँ। ये सारी चीजें हैं जिसके आधार पे, जिस पे हम बड़ा फक्र करके कहते हैं कि हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है कहाँ कहाँ से लिया है। मैं उसमें नहीं जाता, आप सभी इन चीजों को देख सकते हैं, पढ़ाई भी जाती होंगी कई वर्षों से, कि हमने कनाडा से क्या लिया, यूनाइटेड किंगडम से क्या लिया और अपना क्या दिया। इस पे मैंने कभी किसी पॉलिटिकल साइंटिस्ट को बात करते नहीं देखा। चलिए जल्दी से एक नजर मार लेते हैं कि राम राज्य जो है डिस्क्राइब किया गया है युद्ध कांड में वाल्मीकि ने। वाल्मीकि रामायण में जो है राम राज्य का, आप अगर आप इसका ये रूप देखें, तो वाइल रामा वाज रूलिंग द किंगडम देर वर नो विडोज टू लेमेंट और देर वाज नो डेंजर फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स नॉर एनी फियर बॉर्न ऑफ डिजीजेस। द वर्ल्ड वॉज बेरफिट ऑफ थीव्स थीव्स एंड रॉबरीज, नो वन लेफ्ट वर्थलेस, नॉट डिड ओल्ड पीपल परफॉर्म ऑब्सक्यूज कंसर्निंग यंगस्टर्स, ETC ETC। ये सारी चीजें हैं जो मैं पढ़ करके समय नहीं निकालूंगा। अगर आपको चाहिए होगा और अगर आप लोगों की रुचि होगी कि ये राम राज्य का स्वरूप आपके सामने खड़ा होता है, तो ये और आगे उसी के सारे रूप हैं जिसमें वाइल रामा रूल्ड द किंगडम द टॉक्स ऑफ द पीपल सेंटर्ड अराउंड राम राम एंड राम, द वर्ल्ड बिकेम राम्स वर्ल्ड। और राम का मतलब वहां को पुरुष नहीं है, वहां है कि प्रजा का रंजन करने वाला, कि प्रजा जिसके लिए प्रायोरिटी है, लोगों की आनंद जिसकी प्रायोरिटी है, वो राम है। तो ये सारे के सारे आपकी परंपरा से प्राप्त एक कॉन्सेप्ट है, एक आइडियल है, एक पूरे पैराडाइम्स हैं जो हमें बताते हैं कि यहाँ के लोग कैसे जीते रहे हैं और उनको जीना भी कैसे चाहिए। और वस्तुतः हम लोग अपने पारिवारिक जीवनों में ऐसे ही जीते हैं, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू से जी रहे हैं।
फिर इसके बाद एक रामचरितमानस को भी देख लेते हैं। रामचरितमानस की पृष्ठभूमि में एक अंतर है, वाल्मीकि और तुलसी में एक अंतर आता है कि वाल्मीकि ने जब रामायण लिखी तो वहां पर उसके उनके ऊपर कोई बंधन नहीं था, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं था, लेकिन रामचरितमानस जब लिखा गया है तब मुसलमानों की इतनी मार पड़ चुकी हुई थी हिंदुओं के ऊपर कि उनको सांस लेने के लिए कोई ऐसा आधार चाहिए था, जीवन जीने के लिए कोई ऐसा आधार चाहिए था जिस आधार को पकड़ करके वो आगे आने वाले समय को उचित समय का वो इंतजार कर सके। तब उस समय जो है तुलसी की रामचरितमानस जो है वो सारे लोगों के लिए एक आधार के रूप में हमारे सामने आती है। और उसमें भी अगर आप देखें तो वहां पर क्या है तो वहां पर भी आप पूरे का पूरा एक कॉन्सेप्ट देखते हैं कि राम राज्य क्या है। अब इसको आप सेकुलर दृष्टि से देखना चाहें, कम्युनिस्ट दृष्टि से देखना चाहें, सोशल की दृष्टि से देखना चाहें, जरूर इसकी आलोचना करनी चाहिए और फिर इसमें बताना चाहिए कि ये किस रूप में जो है वो नॉन सेकुलर राज्य हो सकता है। कि राम के नाम से अगर कोई बात है तो अलग बात है, लेकिन इसमें जो एक कॉन्सेप्ट दिया गया है वो किस अर्थ में वो सेकुलर नहीं है। तो मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं, और अगर आप लोगों को ये सारी कोटेशंस चाहिए होंगी, पावर पॉइंट चाहिए होगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, लेकिन ये सारी चीजें इसमें उपलब्ध हैं। और पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट आप देख सकते हैं कि लोगों में दुख नहीं है, भूख नहीं है, गरीबी नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि लोग कोई पढ़े लिखे नहीं है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जिसको हम कभी ना इतिहास में पढ़ाएंगे और ना ही हम कभी उनको एक स्वीकृति प्रदान करेंगे। चलिए अब लास्ट में आप आ जाइए राम राज्य की बात करने वाले जो महात्मा गांधी हैं, और उनको दरकिनार कर दिया गया। जैसे ही हमें फ्रीडम मिली उसके बाद वो हाशिए पे चले गए, और जब हिंद स्वराज नाम की पुस्तक भेजी थी नेहरू के पास गांधी जी ने, तो उसको उठा करके उसने साइड पे रख दिया था, क्योंकि हम तो नेहरू का ये कथन था कि हम तो सोशलिस्ट और डेमोक्रेटिक और इन वैल्यूज के बारे में बात करेंगे, ये हिंद स्वराज्य ऐसे कोई बात को उन्होंने स्वीकृति प्रदान नहीं की। लेकिन मुझे गांधी जी से शिकायत है, आप देखिए कि वो बाय राम राज्य एक और वो राम राज्य की बात करते हैं, और इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो प्रभावित भी रहे हैं बचपन में इन सारी चीजों से, और उसके बाद ब्रिटेन में जाकर बैरिस्टर की जब डिग्री ली और क्वीन के प्रति एक कमिटमेंट जाहिर की, क्योंकि उसके बिना तो डिग्री मिल नहीं सकती थी, तो उसके बाद उनकी भाषा में ये जो परिवर्तन हम देखते हैं कि बाय राम राज्य आई डू नॉट मीन हिंदू राज, बहुत सही है, नहीं होना चाहिए, हिंदुओं को यहाँ नहीं होना चाहिए, उनका राज्य नहीं होना चाहिए, फॉर मी राम एंड रहीम आर वन एंड द सेम डीटी। अब ये सेंटेंसेस, इस तरह के सेंटेंसेस मेरी समझ से बाहर हैं कि ये क्या कह रहे हैं। इतना महात्मा आदमी, इतना श्रेष्ठ आदमी, इतना नैतिक आचरण वाला आदमी ये कैसी बातें करते हैं। द एंशियंट आइडियल ऑफ राम राज्य इज द वन ऑफ ट्रू डेमोक्रेसी इन विच द मीनेस्ट सिटीजन कुड बी श्योर ऑफ स्विफ्ट जस्टिस। तो पहली लाइन और आखिरी लाइन के संबंधों को अगर आप समझना चाहें तो आपके लिए बड़ा एक पैदा हो जाती है। और भी जिन्होंने महात्मा को पढ़ा है, महात्मा गांधी को अच्छे से पढ़ा है, वो लोग इस विषय में सारी चर्चाएं देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, राम राज्य की वैल्यूज तीनों चारों तीनों मैंने बता दी हैं, क्योंकि मेरी सोच तो अभी बहुत सीमित है जिसकी वजह से ये हम सारे आयोजनों को करते हैं ताकि हमारी दृष्टि व्यापक हो सके। तो इन सारी विषयों के ऊपर चर्चा करने के लिए हम मैं आमंत्रित कर रहे हैं डॉक्टर रविंद्र कुमार गुप्ता जी को कि वो इस विषय में हमारे साथ अपनी बात रखें, इसके संदर्भ भी स्पष्ट करें कि हम कॉन्स्टिट्यूशन डे क्यों मनाते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन डे का राम राज्य से क्या संबंध है, क्योंकि बाकी सब जगह जो भी बातचीत होगी वो तो केवल कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल पे हो जाएगी, फंडामेंटल राइट्स पे बात हो जाएगी, लेकिन उसके संदर्भों को, उसके संबंधों को भारतीयता के साथ जोड़ने का जो काम है वो मुझे लगता है कि हम लोग ही शायद कर रहे हैं, क्योंकि मेरी जानकारी में और तो कोई है नहीं अभी। तो डॉक्टर रविंद्र कुमार गुप्ता जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कि लगभग अगले 30-35 मिनट 40 मिनट वो अपनी बात हमारे साथ रखें, और उसके बाद फिर हम आगे की चर्चा देखेंगे। डॉक्टर धन्यवाद आशुतोष जी। जी सभी श्रोताओं को मेरी ओर से नमन और
संवैधानिक दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई। अपनी बात कहने से पहले मेरे को आज सौभाग्य मिला लोकसभा चैनल पर अपने कर्तव्य पालक प्रधानमंत्री जी को और गुजरात के राज्यपाल देवव्रत आचार्य जी को, जो हमारे लोग, मैं समझता हूँ हरियाणा के सभी उनको जानते हैं, परिचित हैं, और तीसरे लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी को। तो इसमें तीनों ने एक बहुत अच्छी बात की अलग अलग ढंग से। जहाँ ओम बिरला जी ने कर्तव्यों की बात कही, तो वहीं आचार्य देवव्रत जी ने परंपराओं के उदाहरण देते हुए, हमारे शास्त्रों का उदाहरण देते हुए संविधान के बारे में अनेक बातें बताई। और प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही, जैसे आप जानते हैं कि उनकी शब्दावली पर बड़ा नियंत्रण है, केवाईसी को लेकर, नो योर कस्टमर की जगह उन्होंने कहा कि हमें नो योर कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। और उसमें जो मुख्य बात थी उनकी, वो यही थी कि जो शासन व्यवस्था संविधान है उसको लागू करने के लिए हमें कर्तव्यनिष्ठ होना पड़ेगा। और यह आज विषय थोड़ा सा हटकर एक बात कह रहा हूं मैं, जब ये संविधान बनाया गया था और आज मैं न्यूज़ जो सुन रहा था उसमें मेरे को एक बड़ा अजीब सा कंट्राडिक्शन नजर आया। आज डॉक्टर अंबेडकर ने अपने अंतिम वक्तव्य में कहा था कि यदि संविधान को बनाए रखना है तो हमें असहयोग, हड़ताल इत्यादि से बचना होगा, लेकिन आज टीवी आप खोलकर देखें तो जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं। तो ये एक वास्तविकता है, निर्मम वास्तविकता है, कि संविधान को जाने बिना, जब हम अंबेडकर के संविधान की बात करते हैं या भारतीय संविधान की बात करते हैं, उसमें जो दिया गया, जो संविधान सभा में कहा गया, जो बातें वहां पर उद्धृत की गई, उनको हम नहीं पढ़ते हैं। और जैसा कि बधाई मैं देना चाहूंगा आशुतोष जी को और अन्य जो इस कार्यक्रम के आयोजक हैं, क्योंकि तो प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही कि शिक्षण संस्थाओं में, कॉलेजों में, विद्यालयों में मॉक पार्लियामेंट होनी चाहिए और संविधान के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बतलाया जाए। तो इस दृष्टिकोण से मैं समझता हूँ कि जो 1:30 बजे, 1:15 बजे के आसपास प्रधानमंत्री जी ने कहा, उसको आशुतोष जी और उनके सहयोगियों ने तुरंत लागू कर दिया है, तो इसके लिए वो मेरी ओर से बधाई के पात्र हैं। अब मैं विषय पर आता हूं सर। एक प्रश्न बड़ा स्वाभाविक सा उठता है हमारे यहाँ कि जब हम राम राज्य की बात करते हैं और दूसरी ओर हम भगवद गीता की बात करते हैं, इन दोनों में मैं समझता हूँ बड़ा स्पष्ट लिंक है कि राम राज्य क्या है। ये तो आशुतोष जी ने बहुत ही विस्तार में बता दिया, तो उस विषय को मैं अब ज्यादा नहीं लूंगा क्योंकि आप सब मालूम है आपको। जहां तक बात है राम राज्य और कृष्ण की, उसको सिर्फ एक बताना चाहता हूं मैं आपको कि भगवत गीता के अध्याय 4 का जो पहला श्लोक है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था, सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्त मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। और आप जानते हैं कि श्री रामचंद्र जी इक्ष्वाकु वंश के ही थे। इसलिए मेरा अपना मानना है कि राम राज्य की आधारशिला, राम राज्य की कार्य प्रणाली को यदि हमें समझना है, तो उसके लिए हमें, जैसे कि आशुतोष जी ने बाद में कहा संविधान के बारे में, कि संवेदनशील नागरिक, पुरुषार्थ, लोक मंगल, इन सब कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए हमें वाल्मीकि रामायण, तुलसी दास कृत रामचरित मानस के साथ साथ भगवत गीता को भी जोड़ लेना चाहिए, तब हम उसको शायद हम और अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। एक प्रश्न जो मेरे मन में अक्सर आया, जैसा कि आशुतोष जी ने जो टाइटल स्लाइड दी है उसमें यदि आप देखें तो भारतीय संविधान के 3rd अध्याय, जो कि
फंडामेंटल राइट से जुड़ा हुआ है उसका ऊपर चित्र देखिए आप, उसमें श्री रामचंद्र जी अपने सीता जी, माँ सीता जी के साथ और लक्ष्मण जी के साथ लंका विजय प्राप्त करने के बाद अयोध्या जी आ रही है। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या ये अनायास किया गया? ऐसा नहीं है, ये फंडामेंटल राइट्स में ही क्यों दिया गया, इसकी हमें थोड़ी सी पृष्ठभूमि समझ लेनी चाहिए जो मैं समझ पाया हूं। पहली बात कि रामचंद्र जी के समय और जो उनका अनुभव भी था, तीन प्रकार के समाज थे। एक समाज अयोध्या का था, जहां पर कि आप कह सकते हैं कि एक समृद्ध नागरिकता थी, सभ्यता थी, और जो कि सात्विक गुणों से भरपूर थी। दूसरी समाज था किष्किंधा समाज, जिसमें सात्विक गुण भी हैं और राजसिक गुण भी हैं, कि जहां पर आप देखते हैं कि एक स्त्री को दूसरा भाई ले जा सकता है, वो उसके साथ रह सकती है, युद्ध अपने धर्म को छोड़कर राजगद्दी के लिए संघर्ष भी है। तो इस समाज में यदि आप देखें तो रजोगुण प्रधान है, ना कि सतोगुण, लेकिन है दोनों। तीसरा समाज है लंका का, कि जहां पर रजोगुण और तमोगुण है, और जिसमें तमोगुण प्रधान है। ऐसा नहीं है कि रजोगुण नहीं था, रावण में विद्वता भी थी, उसमें साहस भी था, बल भी था, लेकिन उसके साथ साथ वो तामसिक गुणों से भी भरा हुआ था। तो श्री रामचंद्र जी ने जब लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद आई हैं, तो इसका एक सांस्कृतिक पक्ष ये बनता है कि तमोगुण से विजय प्राप्त करके सात्विक गुणों पर आधारित राज्य की स्थापना की जाए। और ये कैसे संभव है? यदि हम संविधान सभा को देखें तो उसमें, मैं भी अक्सर ये सोचता था, एक दो बार मेरी बातचीत भी हुई आशुतोष जी से, और मुझे कहीं पर नहीं मिला कि ये चित्र जो बनाए गए हैं किस सोच से उसी अध्याय में क्यों रखे गए, ऐसा मेरे को नहीं मिला है। ये तो मिला कि इसमें ये डिपिक्शन है, लेकिन जब मैंने इसकी ओर देखा तो एक दो मेरे को दो संदर्भ मिले हैं संविधान सभा में। पहला संदर्भ मेरे को मिला है पंडित ठाकुर दास भार्गव जी का, ये उन्होंने बात कही है 18 नवंबर 1949 को। एक बार मैं बताना चाहूंगा कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनके बारे में आपको सबको मालूम है कि वो लिमिटेड है, और उसमें एक क्लोज है रीजनेबल, युक्ति युक्त प्रतिबंध। जो हमारा मूल संविधान था उसमें ये युक्ति युक्त शब्दावली नहीं थी, यह युक्ति युक्त शब्दावली पंडित ठाकुर दास भार्गव के द्वारा प्रस्तावित संशोधन से ही शामिल की गई थी। और इसी बात को लेकर उन्होंने जो कहा, मैं अब उनको कोट कर रहा हूं इन्वर्टेड कोमा में, फंडामेंटल राइट्स के बारे में हाउस को मालूम है कि मैं बहुत लड़ता आया हूं, और हाउस ने मेरी तरमीम दफा 19 शब्द रीजनेबल मंजूर करके उनको जस्टिसेबल बना दिया है। यह फंडामेंटल राइट्स तथा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, यह दोनों के दोनों सारे कॉन्स्टिट्यूशन की जान है, आप इन दोनों को मिला दीजिए, और अगर यह दोनों कायम हो जाएं तो मुझे कोई शुभा नहीं है कि हम महात्मा जी का राम राज्य कायम कर सकते हैं। और इन दोनों राइट्स के बारे में इस हाउस का फैसला जो है वह एक माइलस्टोन है। फंडामेंटल राइट्स के जरिए हम जितना रास्ता हम तय कर चुके हैं वहां तक हम कामयाब हुए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स उस चीज के जरिए बाकी रास्ते तय करना है। हमने फंडामेंटल राइट्स पूरे हासिल नहीं किए, समता का मूल तो पास किया, अछूतपन दूर किया, लेकिन पूरा हक ना मिल सका। तो यहां पर आप देखिए कि पंडित ठाकुर दास भार्गव फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को जोड़ रही हैं। और मैं अपने श्रोताओं को बता दूं कि जो चौथा अध्याय है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का, उसमें जो चित्र है वो कृष्ण अर्जुन संवाद ही है,
गीता का उपदेश ही है। तो फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दोनों ही राम राज्य की परिकल्पना के लिए बहुत आवश्यक है, और इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट जो एक कथन मैं बताने जा रहा हूँ आपको, केटी शाह का। आपको मालूम है कि जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें राष्ट्रीय आपात स्थिति लागू करने के लिए आर्टिकल 352 में क्या कहा गया कि राष्ट्रपति को यदि इस बात का भी शंका भी हो जाए कि आंतरिक अशांति के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा उत्पन्न हो गया है तो राष्ट्रीय आपात स्थिति लागू की जा सकती है, और जब राष्ट्रीय आपात स्थिति लागू हो जाएगी तो नागरिकों के मौलिक अधिकार निलंबित हो जाएंगे, और ऐसा आप जानते कि हो भी चुका है 1975 और 77 में। और यहाँ पर इसी संदर्भ में डॉक्टर केटी शाह क्या कह रहे हैं राम राज्य के संदर्भ में जोड़ते हुए, वो मैं आपको कोट कर रहा हूं। संशोधन के तीसरे भाग में मेरे ख्याल से यही बात और गंभीर रूप में और अधिक स्पष्टता के साथ दिखाई देती है कि जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि आभ्यांतरिक अशांति के उत्पन्न होने पर नहीं बल्कि उस पर उत्पन्न होने की संभावना भी यदि दिखाई देती है तो राष्ट्रपति आपात की उद्घोषणा निकाल सकेगा। कार्यपालिका के दिमाग में अशांति उत्पन्न होने का भय भी यदि हो तो उसके आधार पर इस तरह की उद्घोषणा निकाली जा सकेगी। मैं यह अनुभव करता हूं कि प्रस्तुत प्रावधान उस प्रावधान से किसी भी तरह भिन्न नहीं है जिसके अधीन 1942 में अनेक ऑर्डिनेंस निकाले गए थे जिनमें न केवल कार्य का किया जाना ही दंडनीय बताया गया था बल्कि यह कहा गया था कि कार्य किए जाने की संभावना होने पर भी ऑर्डिनेंस के अधीन व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है। अपनी इस यह हुकूमत जिसको हम बनाने जा रहे हैं, अपना राज्य जिसका कि हम निर्माण करने जा रहे हैं, वह यदि उदारता, सहिष्णुता, विचार एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के विचार से सब तरह पूर्वगामी शासन से मिलता जुलता है, और अंतर केवल इन दोनों में अगर केवल काले और गोरे का ही है तो मैं कहूंगा कि हमने अपने देशवासियों के सामने जो यह प्रतिज्ञा की है कि हमारा स्वराज्य वास्तविक रूप से राम राज्य होगा वह सर्वथा झूठी है। अब यहां देखिए सर, केटी शाह क्या कह रहे हैं, उदारता, सहिष्णुता, विचार एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता पर उनका बल है जिनको हम जब तक सुनिश्चित नहीं करेंगे तो राम राज्य नहीं होगा, केवल संविधान में लिख देने से नहीं होगा। तो ये एक विचारणीय प्रश्न है कि क्या हम मौलिक अधिकारों को सही ढंग से सुनिश्चित कर पा रहे हैं, नंबर एक। दूसरा, क्या हम नागरिक के रूप में इनका प्रयोग, सदुपयोग के साथ साथ क्या दुरुपयोग भी कर रहे हैं? क्योंकि यदि हम ये दुरुपयोग कर रहे हैं, यदि मैं अपने मौलिक अधिकार का दुरुपयोग कर रहा हूं तो निश्चित रूप से दूसरे व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन कर रहा हूं, और जिसके कारण समाज में वैमनस्य उत्पन्न होगा, घृणा उत्पन्न होगी, संघर्ष उत्पन्न होगा, जो कि राम राज्य के कल्पना के बिल्कुल प्रतिकूल होगा। जैसा कि तुलसीदास जी ने अपनी रामचरितमानस में कहा, राम राज्य का वर्णन करते हुए, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। कि राम राज्य में दैहिक दैविक और भौतिक ताप किसी को नहीं व्यापते, सब मनुष्य परस्पर प्रेम करते हैं और वेदों में बताई हुई नीति में तत्पर रहकर अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। तो जब हम यहां कहते हैं कि अपने अपने धर्म का पालन करते हैं, तो ये नागरिकों के कर्तव्य की ओर संकेत है कि सब हम अपने अपने उसका पालन करें। तो ये मैं समझता हूँ ये जो चित्र दिया गया है ये उसकी ही पृष्ठभूमि है। अब मैं सर उस पर आ रहा हूं कि रामचंद्र जी ने राजधर्म की क्या नीति बताई जिसका स्रोत अग्नि पुराण में हमें मिलता है।
संस्कृत के श्लोक पर न जाकर मैं श्रोताओं की सुविधा के लिए उसकी हिंदी में ही बोल रहा हूं। किसी भी प्राणी की हिंसा न करना, कष्ट न पहुंचाना, मधुर वचन बोलना, सत्य भाषण करना, बाहर और भीतर से पवित्र रहना एवं शौचाचार का पालन करना, दीनों के प्रति दया भाव रखना तथा क्षमा, ये चारों वर्णों आश्रमों के सामान्य धर्म कहे गए हैं। राजा को चाहिए कि वह प्रजा पर अनुग्रह करे और सदाचार के पालन में संलग्न रहे। मधुर वाणी, दीनों पर दया, देश काल की अपेक्षा से सत्य पात्र को दान, दीनों और शरणागतों की रक्षा तथा सत पुरुषों का संग, ये सत पुरुषों के आचरण है। यह आचार प्रजा संग्रह का उपाय है, जिसे कि आज आप लोक संग्रह या वेलफेयर स्टेट कहते हैं। जो लोक में प्रशंसित होने के कारण श्रेष्ठ है तथा भविष्य में भी अभ्युदय का फल देने वाला होने के कारण हितकारक है। यह शरीर मानसिक चिंताओं तथा रोगों से घिरा हुआ है, आज या कल इसका विनाश निश्चित है। ऐसी दशा में इसके लिए कौन राजा धर्म के विपरीत कार्य करेगा, आचरण करेगा? ये श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को बताया था कि किस प्रकार का हमें राज्य करना चाहिए। तो ये एक नीतिक बात कही गई, जहां आज का विषय है मेरा, तो जिसमें अब हमें ये देखना है कि क्या संविधान सभा में राम राज्य की चर्चा हुई। दो उदाहरण मैं पहले दे चुका हूं, मेरे को कुल मिलाकर 12 ऐसे वक्ताओं के संविधान सभा के मिले हैं कि जिन्होंने अपने वक्तव्यों में राम राज्य का जिक्र किया है। और इसमें मैं पहले आ रहा हूं श्री ब्रजेश्वर प्रसाद जी ने, उन्होंने वास्तव में राम राज्य को, जो हमने संसदीय लोकतंत्र लिया है, उसके संदर्भ में बताया है। और उन्होंने संसदीय जनतंत्र को अस्वीकार करते हुए दार्शनिक राजा की बात कही कि जो राम थे, क्योंकि राज, यानी कि आप सिस्टम कोई ले लीजिए, चाहे राष्ट्रपति शासन ले लीजिए, संसदात्मक ले लीजिए, मुख्य बात तो क्या कि जो संविधान में, जैसा कि आशुतोष जी ने डिटेल में बताया, उद्देश्य दे दिए गए, क्या उनको हम लागू कर पा रहे हैं और वो कौन करेगा। इस संदर्भ में यदि हम देखें, अब वो क्या कह रहे हैं दार्शनिक राजा के बारे में, राम राज्य के बारे में, मैंने दार्शनिक राजाओं के शासन का समर्थन किया है और वह इसलिए कि प्लेटो का, कि जिसे मैं राजनीति विज्ञान का जन्मदाता समझता हूं, यह मत था कि यही सबसे अच्छी शासन प्रणाली है। हम बड़े गर्व से अयोध्या के राजा राम और मिथिला के राजा जनक के राजकाल का स्मरण करते हैं। वैसे तो बहुत वक्तव्य बड़ा है, लेकिन उसके संक्षेप में जा रहा हूं। इसके बाद वो क्या कह रहे हैं, जनतंत्र की आत्मा निर्वाचनाधिकार नहीं है, लोगों की प्रत्यक्ष भावना नहीं, बल्कि वास्तविक भावना का प्रतिनिधित्व ही जनतंत्र की आत्मा है। एक ही आदमी यदि वह लोगों की वास्तविक भावना का समर्थन करता है, तो चाहे लोग उसे निर्वाचित करें या ना करें, वह सभी लोगों का प्रतिनिधित्व करने में समर्थ है। यदि कोई एकाधिपति अधिक से अधिक लोगों के अधिक से अधिक हित की चिंता करता है, तो उसका शासन सच्चे अर्थ में जनतंत्री है, रूप से अधिक महत्व गुण का होता है। ये मैं अपने सहभागियों के विवेक पर छोड़ता हूं कि वे ये सोचें कि आज जो हमारी संसदीय जनतंत्रात्मक प्रणाली है, जिसमें सभी लोक सेवक संविधान की शपथ लेते हैं, क्या वो संविधान में दिए गए उद्देश्यों के अनुसार सोचते और आचरण करते हैं? और इसलिए उन्होंने कहा आगे भी कि यदि लोग अपने राजनीतिक दायित्वों को अच्छी प्रकार से न समझें, तो जैसा कि जर्मनी इटली में हुआ था, संसदात्मक शासन प्रणालियां ही
फासिज्म के उत्थान में सहायक हो सकती हैं। क्या भारत के लोग अपने राजनीतिक दायित्वों को समझते हैं? भारत के अधिकांश लोग निरक्षरता, दरिद्रता, सांप्रदायिकता और प्रांतीयता के घोर अंधकार में पड़े हुए हैं। केवल दार्शनिक सम्राट इन प्रश्नों का हल कर सकता है। संसदात्मक तथा संघनीय दोनों शासन प्रणाली में रोक बढ़ता ही जाएगा। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से एक दार्शनिक राजा के रूप में एक ऐसे शासन व्यवस्था की परिकल्पना की कि जो राम राज्य में थी, कि जिसमें हालांकि आप उसको भी देखें सीमित राजतंत्र था, धर्म पर आधारित था। तो वहां पर जब दार्शनिक राम राज्य की बात कर रहे हैं तो वह जनहित के लिए काम करने वाला हो, इसकी बात है। और इसी बात को बहुत ही सुंदर शब्दों में श्री श्याम नंदन सहाय जी ने 22 नवंबर 1949 को अपने वक्तव्य में कहा। वो क्या कहते हैं? यदि हम अपने इतिहास का अवलोकन करने तो हमें यह स्वीकार करना होगा, एक समय सुयोग्य शासकों के राज में इस देश में दूध की नदियां बहती थी, और इस समय हम जिस राम राज्य की स्थापना के लिए सचेष्ट हैं वह एक समय था यहाँ अस्तित्व में था। यानी कि राम राज्य कोई कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि वह अस्तित्व में थी। और आज भी आप देखते हैं, हम सभी लोग जब आदर्श राज्य की बात करते हैं तो हम राम राज्य का ही नाम लेते हैं। लेकिन वो क्या कह रहे हैं आगे? किंतु था वह लोक हितैषी शासकों का शासन ही। मैं दोबारा इस बात को रिपीट कर रहा हूं उनकी। किंतु था वह लोक हितैषी शासकों का शासन ही और लोक प्रतिनिधियों का स्वयं अपनाया हुआ विधि शासन नहीं था। जैसा कि आशुतोष जी ने शुरू में कहा था कि हम इस संविधान को आत्मार्पित करते हैं, तो वो उस तरह की बात नहीं है, बल्कि वो क्या कह रहे हैं कि लोक हितैषी शासकों का शासन, कि राम राज्य की जब हम परिकल्पना करते हैं तो व्यवस्था कोई अपना लें, उनका निर्वाचन जैसे मर्जी कर लें, लेकिन राम राज्य तभी स्थापित होगा कि जब हमारे शासक लोक हित में सोचेंगे। और बड़ी दुख से बात कह रहा हूं मैं, आज के ही अखबार में जब मैंने ये पढ़ा कि भारत रिश्वत के मामले में एशिया में नंबर वन है, 39%, तो ये कौन सा संविधान है, ये कौन से कानून है कि हम बात राम राज्य की करते हैं और रिश्वत खाते हैं और खिलाते हैं? तो इसके ऊपर भी हमें विचार करना होगा। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए राम राज्य की, श्री डीवी सुब्रमण्यम 24 नवंबर 1949 को संविधान सभा में क्या कहते हैं? बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहते हैं वो, कि यदि हम आदर्श भारत का निर्माण करना चाहते हैं तो अपने नव राज्य को ध्यान देना होगा इस बात पर कि राज्य के व्यक्तियों का निर्माण किया जाए। अब वो देखिए, पहले जो बात थी वो शासक की है, अब सुब्रमण्यम जी व्यक्तियों की बात कर रहे हैं, जिसको आशुतोष जी ने भी संवेदनशील नागरिक के रूप में कहा था। क्या कहते हैं वो? यदि व्यक्ति पूर्ण है तो राज्य भी पूर्ण बन जाएगा, इस काम में समय लगेगा। ऐसे व्यक्तियों द्वारा या व्यक्तियों के समूह द्वारा परिचालित शासन जो कि मनसा और कर्मणा पूर्ण है, राम राज्य कहलाता है। तो जो आशुतोष जी ने रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की बात कही थी, वो राम राज्य के लिए एक आवश्यक तत्व है, जिसकी बात डीवी सुब्रमण्यम जी कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि आशुतोष जी ने शुरू में कहा एक बात, कि हमने संविधान को, मैंने देखा उनकी स्लाइड भी, कि कहाँ कहाँ से लिया, कुछ लिया, लेकिन उसमें कहीं पर भी उस स्लाइड में ये नहीं मिला मेरे को कि हमने अपने प्राचीन ग्रंथों से भी कुछ लिया है। और आशुतोष जी
एक बात को मैं बड़ा स्वीकार कर रहा हूं कि जी लगभग मैंने 37-38 साल भारतीय संविधान पढ़ाया, और जैसा कि हमें दिया गया था कि क्या पढ़ाना है, उसमें ये वेद पुराण नहीं थे। उसके लिए हमें ये था कि यदि संसदीय लोकतंत्र की बात करनी है तो हम लास्ट की बात करें, यदि हमें न्याय के सिद्धांत की बात करनी है तो प्लेटो की बात करें, यदि हमें संविधान की नैतिकता की बात करनी है तो मेटकाफ की बात करें, बिल्कुल सही, लेकिन राम राज्य की ना करें, क्योंकि वो फिर पोंगापंथी हो जाएगा उस समय के अनुसार। ठीक इन्वर्टेड को सही मैं बात कर रहा हूं, वो फिर मेरे ऊपर आरोप लग जाएगा कि मैं हिंदूवादी हूं, मैं सांप्रदायिक हूं, ये सब तो मैंने भी नहीं पढ़ाया। और ये जो आपका, मैं बड़ा आभारी हूँ उस मेजर जनरल साहब का कि जिन्होंने मेरे को इस ओर थोड़ा सा सोचने के लिए कहा कि भी आप भारतीय दर्शन को भी देखें, तो उन दोनों का बहुत बहुत आभार। अब मैं इसीलिए बता रहा हूँ सर कि आप पूरे संविधान पढ़ें। अभी 3 दिन पहले आपने देखा होगा बिहार में जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ, तो एक मुस्लिम विधायक ने संस्कृत में शपथ ली, लेकिन एक दूसरे ने हिंदुस्तान शब्द नहीं बोला, बल्कि बोला मैं तो भारत ही बोलूंगा। इनके शपथ को लेकर भी विवाद है, और ये विवाद क्योंकि हमारी जो संविधान सभा थी उसमें भी आप ये देखें जो शपथ ली जाती है उसमें या तो ईश्वर के नाम पर या गंभीरता पूर्वक निश्चयोक्ति करता हूं, पहले ईश्वर नहीं था, ये प्रस्ताव संशोधन द्वारा लाया गया था। तो यानी कि जो शपथ ली जाती है उसमें ईश्वर के नाम को लिया जाए, इस संदर्भ में श्री महावीर त्यागी ने राम राज्य की बात कही। और जो मैंने ये अभी आपको संदर्भ बताया था कि हिंदुस्तान भारत और ये सब, उस संदर्भ में बहुत ही विस्तार से उन्होंने बताया कि शपथ ले लेने से सांप्रदायिक या असांप्रदायिकता नहीं होती है। मैं उनको कोट कर रहा हूं सर संक्षेप में। स्वराज्य के विषय में हमारी कल्पना राम राज्य की थी, केवल राजनीतिक स्वतंत्रता ही सब कुछ नहीं थी। यदि मुझे यह कहने दिया जाए तो मैं राजनीतिक स्वतंत्रता की ढेला भर भी परवाह नहीं करता। भारत को केवल अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता के खो जाने पर ही दुख नहीं भोगना पड़ा, बहुत आगे इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं सर वो, पर उसका वास्तविक दुख उसकी आत्मा की स्वतंत्रता का खो जाना है। हमारी आध्यात्मिक स्वतंत्रता पर पहला प्रहार तब हुआ था जबकि सोमनाथ पर आक्रमण हुआ था। उसी समय से इस सैकड़ों वर्षों में भारत ने कभी स्वयं को स्वतंत्र अनुभव नहीं किया। वास्तविक स्वराज्य का अर्थ है राम राज्य। अब वो दोबारा सर मैं रिपीट कर रहा हूं इस बात को, बहुत वास्तविक स्वराज्य का अर्थ है राम राज्य। और इसके आगे वो क्या कह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस असंप्रदायिकता की भावना का कैसा गलत अर्थ लगाया गया है, इस विषय पर प्रसंगातकर नहीं होगा। यदि मैं पर्चे पर विश्वास करके उन्हें यह बता दूं कि अभी हाल ही में ऑल इंडिया रेडियो के अधिकारियों के एक सम्मेलन में एक मत से यह निर्णय किया गया था कि अब गीता, रामायण, कुरान और बाइबल का पाठ बंद कर देना चाहिए। यदि असंप्रदायिक राज्य का अर्थ यह है कि हमारे बालकों को रामायण का ज्ञान नहीं कराया जाएगा, अथवा वे गीता, कुरान अथवा ग्रंथ को सुन न सकेंगे, तो राजनीतिक स्वतंत्रता से क्या लाभ है? यह तो खींचा तानी करके अर्थ निकाला हुआ। यदि इस राम राज्य में भगवान को मिटा दिया गया तो भारत राम के बिना अयोध्या के समान हो जाएगा। मेरा निवेदन है श्रीमान, राम से मेरा आशय हिंदू ईश्वर से है और ईसाई ईश्वर से भी है। यानी कि आप देखिए, तो महावीर त्यागी दो बातें कह रहे हैं, एक तो वो जोर दे रहे हैं इस बात पर कि
हमें अपने जो पुराण ग्रंथ हैं, केवल गीता रामायण नहीं, वो कुरान की बात भी कर रहे, बाइबल की बात भी कर रहे हैं। और दूसरा, जब वो ये कहते हैं कि राम से मेरा अभिप्राय हिंदू राम से नहीं है, ईसाई से भी है, क्योंकि राम जो है वो किसी एक पंथ विशेष के नहीं है। मैं सर बहुत सोच समझ कर इस शब्द को बोल रहा हूं, क्योंकि मैं हिंदू धर्म को धर्म नहीं मानता। धर्म तो अपने आप में है, वो तो मानव धर्म है, और हिंदू शब्द में बहुत कुछ विस्तृत है, वो इस समय विषय नहीं है मेरा। तो इसलिए राम तो भारतीय संस्कृति, इस पूरे हमारे जो प्रदेश खंड है भारत, उसके सांस्कृतिक प्रतीक है। तो इस संदर्भ में उनका प्रयोग कर रहा था। और इसीलिए आप देखें, और भी जैसे शिवनाथ सक्सेना है, उन्होंने पंचायती राज और राम राज्य की बात की है, क्योंकि राम राज्य के दौरान गांव गांव तक जनतंत्र था, जो कि संभव हुआ था पंचायती व्यवस्था से। ये एक अच्छी बात है कि अब इस दिशा में हम, मैं समझता हूं कि थोड़ा आगे विस्तार हुआ है। और इसी तरह, इसीलिए शिवराज सक्सेना जी ने कहा, ये 12 अक्टूबर 1949 को, कि हमारे देश में राजत्व के आदर्श का उदाहरण जनक जैसे राजाओं का मिलता है, जो सन्यासी के समान रहते थे। तो राम राज्य की यदि आप बात करते हैं, तो सर हमें जाना पड़ेगा राजा जनक की तरफ, जो कि लोक संग्रह की बात करते हैं। भगवत गीता में भी राजा जनक का ही जिक्र है, लेकिन आज हम क्या देखते हैं सर, पता नहीं, मेरे को तो समझ नहीं आता कि क्या इस संविधान लागू हुआ आज ही। मैं सिर्फ आज की बात कर रहा हूँ सर। आज टीवी पर मैं देख रहा था कि जम्मू कश्मीर में कैसे पूर्व मुख्यमंत्रियों ने रोशनी एक्ट के अंतर्गत 25,000 करोड़ का घपले की बात आ रही है। तो लोक संग्रह तो दूर, राजनीतिक, मैं किसी एक दल की बात नहीं कर रहा हूं सर, ना मेरा किसी एक व्यक्ति पर है, राजनेता पर है, परंतु हमें ये सोचना होगा। और जिसकी राम राज्य की ही बात को जोड़ रहा हूं मैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने भी कहा था कि जैसा बड़े लोग कार्य करेंगे, आचरण करेंगे, तो वैसा दूसरे करेंगे। तो आज यदि भ्रष्टाचार ऊपर तक बढ़ रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं लोक कल्याण की बात समाप्त हो जाती है। राम राज्य में लोक कल्याण की बात थी, भारतीय संविधान के आर्टिकल 38 में भी है। लेकिन अभी मैं जो बात सब अंत में ले रहा हूं, श्री अलगू राय शास्त्री जी का 21 नवंबर 1949 का वक्तव्य है, बहुत विस्तृत है, जिसमें उन्होंने, जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया कि आगे राम राज्य की स्थापना की, तो उसके बाद जब राज्याभिषेक हुआ, तो सभी को राजा रामचंद्र जी ने मनिया मानिक मोती दिए। एक बड़ा मशहूर प्रसंग है, तो जब हनुमान जी को दिया गया, तो उन्होंने उस मोती को तोड़ के देखा, उसमें राम लिखा हुआ नहीं मिला। बोले, जिस वस्तु में राम नहीं है, उसका मेरे से क्या काम। तो इसी संदर्भ को उद्धृत करते विस्तार से अलगू राय शास्त्री जी ने यह बात कही कि भारतीय संविधान में यदि राम का नाम नहीं है, तो वो कैसा संविधान है। क्योंकि समय कम है, समय की सीमितता को देखते हुए मैं उनकी बात को बहुत लंबा नहीं ले रहा हूं। सर ये बता रहा हूं कि जनता, उनको कोट कर रहा हूं सर, जनता में जो हनुमान होंगे, राम भक्त होंगे, वह इसमें राम नाम अंकित न पाकर उनको इस मणियों की माला में दोष नजर आएगा, और वह इसको अपनाने में सकुचाएंगे। और इसलिए उन्होंने कहा कि हमारे, हमने प्रेम में बहुत सुंदर भाषा का प्रयोग किया है, अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, लेकिन उसमें कहीं पर राम का नाम नहीं है। समय की देखते सर, मैं बहुत संक्षेप में इनका दे रहा हूं। हमने जो आज प्रधानमंत्री जी ने भी कहा ना कि कॉलेजों में होना चाहिए, उससे जोड़ते हुए
अलगूराज शास्त्री जी क्या कह रही हैं, हमने शिक्षालयों को रिलीजियस धार्मिक शिक्षा से वंचित किया है। जो सरकार की सहायता से चलने वाली संस्थाएं हैं उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, हमने यह कह दिया। मेरी समझ में यह उचित नहीं किया गया। महात्मा गांधी प्रार्थना सभा में रोज रघुपति राघव राजा राम गाते थे, महात्मा गांधी गीता रामायण का पाठ करते थे। अगर ये और दूसरे धर्म ग्रंथ नहीं पढ़े जाएंगे तो हमारी नागरिकता का रूप कैसा बनेगा? और अगर हम धर्म को छोड़ देते हैं तो हम आचार विचार की मर्यादा कहाँ से स्थापित करेंगे? यह बड़ा दोष मौलिक अधिकारों में नजर आता है। आगे बढ़कर जब हम वहां पहुंचते हैं तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल के नाम से इस विधान में धारा में है जिसमें हमारे राष्ट्र के आदर्श और उनके अधिकार दिए गए हैं उनमें जाते हैं, तो वहाँ अच्छी खासी पदावली है, ललित बहुत सुंदर गौरवपूर्ण वह भाग है, किंतु उसमें भी राष्ट्र ने यह जिम्मेदारी खुले तौर पर नहीं ली है कि हम अन्न वस्त्र तथा दूसरी आवश्यक जीवन उपयोगी वस्तुओं के लिए राष्ट्र को आश्वासन देते हैं। हमने यह अवश्य कहा है कि हम यथा साध्य इसकी पूर्ति के लिए प्रयत्न करेंगे। विधान को देते वक्त प्रेम्बल में हम देते हैं कि यहाँ वहां पर हमने अहंकार से काम लिया है, किंतु जहाँ पर शासन की सत्ता अपने हाथ में लेते हैं और जहाँ हमको उच्च स्वर से गर्व से तथा अहंकार से कहना चाहिए था कि प्रत्येक नागरिक यह समझ ले कि हम उसको भोजन वस्त्र तथा निवास की सुविधा देंगे, यह हमारा उत्तरदायित्व है। अन्नादे सम विभाग प्रजननाम यथार्थता, प्रजा मांग को उसकी आवश्यकता के अनुसार अन्नादि जीवन की अनिवार्य सामग्री का देना राज्य का एकमात्र उत्तरदायित्व है। तो ये कल्पना है, परिकल्पना है राम राज्य की, जिसकी संविधान सभा में अभिव्यक्ति की गई है। और यहाँ पर मुझे याद आ रहा है जब लक्ष्य संबंधी प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी तो उसका समापन करते हुए पंडित नेहरू ने एक बात कही थी कि हमारा कार्य तब तक नहीं रुकेगा कि जब तक हम सभी भूखों को रोटी, नंगों को कपड़े और बेघरों को घर नहीं दे देते। अब ये मैं अपने सहभागियों पर छोड़ता हूँ, उनके विवेक पर, कि वे स्वयं निर्णय लें कि क्या हम नंबर एक राम राज्य पर सोचते भी हैं, दूसरा क्या हम संविधान में वो सारे तत्व दे तो दिए गए हैं, निश्चित रूप से दिए गए हैं कि जो एक राम राज्य की स्थापना के लिए आवश्यक है, लेकिन क्या हम उसको प्राप्त करने की दिशा में जा रहे हैं अथवा उसके उल्लंघन की दिशा में जा रहे हैं, विपरीत दिशा में जा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर मैं चाहूंगा कि आप लोगों के विचार यदि आए तो बेहतर है, उनके ऊपर चर्चा हो, परिसंवाद हो तो बेहतर होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सबका पुनः धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर रविंद्र कुमार गुप्ता जी ने बड़े ही व्यापक दृष्टि से और बड़े ही मेहनत से जो प्रमाण इकट्ठे किए हैं, क्योंकि ये प्रमाण इकट्ठे करना भी बड़ा बड़ा कठिन काम होता है, बड़े धैर्य का काम होता है कि आप उन जहाँ जहाँ वो रेफरेंसेस आए हैं उनको चुन के लाना, उसके लिए पढ़ना, मेहनत करना, उनको नोट डाउन करना और दूसरे बार प्रस्तुत करना, ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रयास होता है और इस प्रयास की जितनी प्रशंसा की जाए वो मुझे लगता है कम ही है, क्योंकि हम लोगों की जानकारी में ये सारी चीज़ें नहीं थी और ना मुझे लगता है कि सोशल साइंटिस्ट कोई इन चीज़ों को पढ़ाता है कि ये प्रश्न उठाए गए थे। केवल दरकिनार करके जो है हम मोटी मोटी बातों को पढ़ा करके अपना काम निकाल देते हैं, लेकिन किसी भी विषय के भीतर एक सेंस क्या होती है, एक दृष्टि क्या होती है, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता। ये हमारी शिक्षा व्यवस्था का एक दोष है। और बिल्कुल सही बात है कि राम राज्य या कॉन्स्टिट्यूशन ये कोई बहुत अलग बातें नहीं है, लेकिन भाषा के कारण हम उसको नकार दें
तो ये कोई उचित बात भी नहीं है, ये कोई बुद्धिमत्ता की बात भी नहीं है कि हम अपनी निंदा कर लें और जो बाहर से उठा करके लाए हैं वो कहें कि ये तो सबसे अच्छा है, यही सबसे प्रमाणिक है। ऐसी मूर्खता, मुझे लगता है कि मैं ऐसी मूर्खता की श्रेणी में अपने आप को नहीं गिनना चाहता, ये बड़ी स्पष्ट सी बात है। मैं आज भी अगर व्यक्तिगत स्तर पर बात करूं तो मैं अगर जीवन जीना पसंद करता हूं या व्यवहार करना पसंद करता हूं तो अपने सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पर व्यवहार करूंगा, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल। मुझे किसी को स्वतंत्रता देनी है तो ये बात मुझे अपनी संस्कृति से पता लगती है, किसी का मान करना है ये संस्कृति से पता लगता है, ये इस विषय में मुझे संविधान सिखाएगा ये मुझे नहीं लगता। और जो हालात चल रहे हैं, जो हम सभी विचारवान लोगों के लिए बड़ा ही चिंता का विषय है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, कौन से सेंसिबल लोगों को हम पैदा कर रहे हैं, एजुकेशन से, कॉन्स्टिट्यूशन से, पॉलिटिकल सिस्टम से और सारी चीज़ों से। तो अभी तो मैं उन विषयों की ओर नहीं जा रहा क्योंकि ये विषय अभी भी बड़ा व्यापक है और बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं जिनके ऊपर बड़ी व्यापक चर्चा अपेक्षित है और उसको दिशा देनी भी बहुत जरूरी है। तो यदि आप में से किसी का कोई प्रश्न है तो इससे पूर्व कि मैं आमंत्रित करूं आज के प्रेसिडेंशियल रिमार्क्स के लिए मेजर जनरल अमित कुमार चौरी जी को, यदि किसी की कोई टिप्पणी है बहुत संक्षेप में और सटीक टिप्पणी, कोई प्रश्न, कोई हमारा ज्ञान वर्धन करना चाहता है, कोई दृष्टि में परिवर्तन करना चाहता है और कोई आलोचना भी करना चाहता है, उसका स्वागत है। आप अपने को अनम्यूट करके मुझे कह सकते हैं, बता सकते हैं। यदि किसी की कोई भी टिप्पणी है तो उसका स्वागत है। तो मुझे लगता है कि अभी शायद थोड़ा सोचने में सभी को वक्त लगेगा कि ये सारे का सारा विषय क्या था। तो मैं फिर हेलो, जी जी नमस्ते सर। जी अच्छा रोहतास जी सर, जी चल रही है। नमस्कार, सर मैं गुप्ता जी, नमस्कार। कैसे हैं सर? ठीक है। हाँ बहुत अच्छे, आप सुनाए। अच्छा सर, मैं ये पूछना चाह रहा था, जो ईश्वर की शपथ जब हम लेते हैं, जो शपथ में जो गंभीर शपथ था, जो मतलब ये संशोधन में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था बीच में, कौन संशोधन लेकर आता था सर? उस व्यक्ति का नाम जानना चाह रहा था सर। ये एचवी कामत लाए थे सबसे अच्छा, एक पहले, चीज कम। अच्छा जी, एचवी कामत भी लाए थे, महावीर त्यागी जी ने भी समर्थन किया था। ये अच्छा जो जी, ये काफी लोगों का था वो फिर क्लब्ड कर दिया गया था। अच्छा जी। और ये और मतलब क्या ईश्वर शब्द से पहले क्या उपयुक्त शब्द होते थे सर? ईश्वर शब्द से पहले क्या उपयुक्त शब्द होते थे? हाँ नहीं, ऐसा कि शपथ जो है ना, आप जो है जी, बिना ईश्वर के भी ले सकते हैं। हमारे यहाँ ऑप्शन दी गई है कि अच्छा सर, आप चाहें तो ईश्वर के नाम से ले सकते हैं, बिना ईश्वर के भी ले सकते हैं। तो ठीक। जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट था उसमें ईश्वर वाला शब्द वो नहीं था, अच्छा इन्वोल्वमेंट अच्छा में वो अच्छा गॉड अच्छा नहीं था, ठीक ठीक वो ठीक जोड़ा अच्छा गया था। और इस संदर्भ में महावीर त्यागी जी ने ये बात कही थी। चलिए ठीक 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 है। थैंक यू है। सर, नमस्कार। और किसी का कोई प्रश्न या कोई टिप्पणी है? डॉक्टर सुभाष जी, सुभाष जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सुभाष जी आप कुछ कहना चाह रहे थे क्या? नहीं, चलिए तो मुझे लगता है कि हम ज्यादा समय नहीं लेते क्योंकि ये विषय बड़ा व्यापक है। अगर हमारे साथ प्रिंसिपल डॉक्टर किरण आंद्रा जी जुड़े हुए हैं तो मैं चाहूंगा कि अगर वो कोई संक्षिप्त कमेंट हमारे साथ साझा करना चाहें तो उनका मैं स्वागत करूंगा। मैडम किरण आंद्रा जी, अगर वो पहले जुड़े हुए थे तो, नहीं है तो हम प्रेसिडेंशियल कमेंट्स की ओर चलेंगे। और साथ ही साथ मैंने लिंक जो है, रजिस्ट्रेशन लिंक आपके सर्टिफिकेट के लिए, वो आपके चैट बॉक्स में शेयर किया हुआ है, उसको आप भर सकते हैं और अपना नाम पता वगैरह उसमें आप भर दीजिए। तो चलिए हम सीधे अब प्रेसिडेंशियल कमेंट्स की ओर चलते हैं क्योंकि समय को भी मैं देख रहा हूँ साथ साथ। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आज की चर्चा के ऊपर रिमार्क्स देने के लिए, क्रिटिकल कमेंट्स करने के लिए
क्योंकि जनरल साहब जो हैं वो इंडियन पोस्टल सर्विसेज से जुड़े रहे हैं, बड़ा लंबा उनका एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस रहा है और सेंटर में टॉप मोस्ट पोस्ट के ऊपर उन्होंने सारी व्यवस्था को काम करते हुए देखा है और एक्चुअल में अंदर किस तरह से शासन व्यवस्था, राज्य व्यवस्था इन चला करती हैं उनके विषय में उनकी बड़ी गहन जानकारी है। और साथ ही साथ उनका जो वाल्मीकि रामायण के ऊपर अधिकार है, वैचारिक और दार्शनिक उनका जो अधिकार है, वो उनको एक बड़ा प्रमाणिक व्यक्तित्व बनाता है। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो इस सारे विषय के ऊपर अपनी बात हमारे साथ साझी करें और बहुत जो भी इसमें दिशा नहीं हो सकती है, विचार करने के लिए हमारे पास जो नए आयाम हो सकते हैं उसके संबंध में वो बात करें। मेजर जनरल अमित कुमार शौरी जी। धन्यवाद आशुतोष जी, आपको स्क्रीन शेयर की भी एक परमिशन देनी पड़ेगी मेरे को। आप कर सकते हैं, उसके लिए कोई परमिशन नहीं चाहिए, इसमें आप सीधा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। स्लाइड को ओपन कर दूं, और लंबी चौड़ी प्रेजेंटेशन नहीं है, मैं कुछ दो चार पॉइंट है वो ऑलरेडी उसमें मैंने बना कर रखे हुए, मैंने सोचा कि उस स्लाइड के थ्रू भी मैं दिखा दूंगा। जी क्या स्लाइड दिखाई दे रही हाँ है? हाँ जी बिल्कुल दिखाई दे रही है। एक सेकंड, ये भी ब्लैंक वाली थैंक्स वाली स्लाइड, लास्ट स्लाइड पे। थैंक्स वाली, ये मेरी प्रेजेंटेशन की आखिरी स्लाइड है थैंक्स की। तो मैं इस बार जो है ये जो स्लाइड्स दिखाने जा रहा हूँ पीछे से शुरू कर रहा हूँ, थैंक्स से शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहले थैंक्स आपका और गुप्ता जी दोनों का। और गुप्ता जी मैं चाहूंगा कि ये जो आपने बताया था, मैं क्या, हम सभी लोग चाहेंगे कि ये रिकॉर्ड हम बड़ी जल्दी तोड़ दें, इस रिकॉर्ड पर हम बने ना रहे जो हम एशिया में रिश्वतखोरी में नंबर वन है, सभी चाहेंगे। और वैसे हमने हमने ये रिकॉर्ड जो है इसके ऊपर अपनी पकड़ बड़ी सॉलिड कर रखी है, यही मुझे लगता है कि एक चंद रिकॉर्ड में ऐसा है जिसके ऊपर हम फखर के साथ अपना सीना तान कर सारी दुनिया में चलते हैं कि कम से कम देखिए एक ऐसी चीज तो है जिसमें मैं नंबर वन हूं और मैं जल्दी इसको तोड़ूंगा नहीं या टूटने नहीं दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता जी, आपने कॉन्स्टिट्यूशन के जो डिफरेंट डायमेंशन हमारे सामने रखे हैं और स्पेशली कॉन्स्टिट्यूट असेंबलीज में जो बातें आई हैं उसके बारे में आपने जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहाँ से शुरू करूं, ये जो एक प्रेजेंटेशन है उसकी मैं पहले ना आखिरी दो स्लाइड्स दिखाना चाहता हूं, आखिरी दो स्लाइड। ये देखिए एक प्रेजेंटेशन है जिसमें मैंने कंक्लूजन निकाले हैं, दूसरे कंट्री से जो प्रोविजंस जो है हमने बोरो किए हैं, आशुतोष जी ने अपने एक स्लाइड में दिखाया था, तो मुझे लगता है कि हमने उससे एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या ऑपरेशनल प्रोसीजर जिसको बोलते हैं वो बनाने की कोशिश की है, ना कि एक ऐसा गाइडिंग कल्चर मॉरल एंड वैल्यू बेस्ड डॉक्यूमेंट जो इंडियन थॉट एंड सिस्टम पर बेस्ड हो, हमने वो नहीं बनाया, हमने बिल्कुल नहीं बनाया। 1851 से लेकर 1835 के एक्ट से लेकर और जो पहले वाले एक्ट थे उनके बेसिस पर कट एंड पेस्ट की पॉलिसी हमने ज्यादा अडॉप्ट की और इंडियन थॉट एंड विजडम को हमने अडॉप्ट नहीं किया। ओके, मेरे मन में एक प्रश्न उठता है, क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्या प्रॉब्लम थी? असेंबली में बात हो रही है, राम राज्य की बात हो रही है, बहुत सारे ऐसी जो है इश्यूज हैं उसके उनको टच भी किया जा रहा है, अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी किया जा रहा है, फंडामेंटल राइट के ऊपर जो है एक बहुत खूबसूरत पिक्चर के जरिए हम कुछ बताने की कोशिश भी कर रहे हैं राम राज्य के बारे में, फिर हमने उन प्रोविजंस को क्यों नहीं डालने की कोशिश की जो प्रोविजंस वाल्मीकि रामायण में है या तुलसी रामायण में है। अगर हम इसको दूसरे एंगल से भी देखें, मुझे ये लगता है गुप्ता जी और आशुतोष जी, हमने इन दोनों किताबों को, अगर मैं वर्ड किताब कहूं वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस, उनको एक धार्मिक ग्रंथ से अलावा कुछ समझा ही नहीं, हमने उनको एक ऐसा डॉक्यूमेंट या इस नजरिए से क्यों नहीं पढ़ने की कोशिश की दैट फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस पॉइंट ऑफ व्यू, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू, सोशल साइंस पॉइंट ऑफ व्यू और ए फिलोसफी पॉइंट ऑफ व्यू और डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे इन किताबों को जो है पढ़ना जानना समझना चाहिए और उसमें से जो निचोड़ है उसको निकालकर अपने टेक्स्ट बुक और अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट या अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उसको शामिल करना चाहिए।
मैं जब वाल्मीकि रामायण पहली बार पढ़ी और उसके बाद एक साल से ऊपर लगा, फिर मैंने पढ़ी, फिर मेरे को एक साल से ऊपर लगा, और मैंने अपनी बुक में एक पैराग्राफ लिखा था कि दिस वाल्मीकि रामायण इज ए मास्टर पीस ऑन पॉलिटिकल साइंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन हो क्या रहा है या होता क्या आया है, हम इन किताबों को एक धार्मिक नजरिए की से ही देखते रहे हैं। इस बात को हमें मानना पड़ेगा कि इसमें हम सब का, हमारे कई फोर फादर्स, कई जनरेशन जो हैं, वो इस एंगल से इसको देखते रहे कि इसको ऐसा करो, सर्दियां आ गई हैं, अब इसके ऊपर गर्म कपड़ा इसमें इसको लपेटो और एक कोने में मंदिर में एक खाने में रखो और सुबह शाम आते जाते अगरबत्ती दिखाओ। वाल्मीकि रामायण तो मैं समझ सकता हूं कि बहुत कम लोगों ने पढ़ी होगी क्योंकि वॉल्यूमिनस बहुत है, इट्स अबाउट 1500 पेजेस एंड टेक्स मोर देन अ ईयर टू गो थ्रू इट प्रॉपरली। तुलसी रामायण की चपाइयां तो जनमानस को जो है मालूम थी, वो तो जुबानी उनको मालूम थी। तो ये जो राम राज्य के प्रोविजंस थे जिसके बारे में लोगों को, जनमानस को मालूम था, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा क्यों नहीं बने? मेरे मन में ये बार बार सवाल आता है और उसका जवाब भी मेरे को यही मिलता है कि हमारा नजरिया जो है वो एक सिकड़ा हुआ संकुचित नजरिया था, हमने वाइड स्पेक्ट्रम से इन किताबों को जानने की कोशिश नहीं की। बचपन में जब मैं पढ़ा करता था इन किताबों को, मुझे उनमें से कोई बात, मैं किताब वर्ड बार बार यूज कर रहा हूं, तो उसमें से मुझे जो कई बात समझ में नहीं आती थी, मैं पेंसिल से उसको अंडरलाइन या टिक करता था और मेरे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे, हो इसको गंदा हाथ नहीं लगाना, इसको पेंसिल नहीं लगानी। मैं उसके ऊपर साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाता था, भाई मुझे ये बात समझ में नहीं आई है। लेकिन उसके पीछे उनका नजरिया भी यही था कि ये एक सीक्रेट बुक है। मेरा नजरिया उस वक्त भी यही था और आज भी यही है कि इन किताबों को करंट कंटेक्स्ट में एक एक मास्टरपीस की तरह पढ़कर मुझे समझना चाहिए और इंप्लीमेंट करना चाहिए। इसीलिए हमने आज तक उनमें जो गुड गवर्नेंस के प्रिंसिपल्स हैं उनको छुपाए रखा है, उनको उजागर ही नहीं किया। ये तो आशुतोष जी आपका धन्यवाद कि आप इस तरह से वेबिनार के थ्रू राम राज्य के प्रिंसिपल्स या प्रिंसिपल्स ऑफ गुड गवर्नेंस जो छिपे हुए हैं उनको उभारने की कोशिश कर रहे हैं, अदरवाइज तो मालूम ही नहीं। कई बार मैंने वेबिनार्स में जो है, व्हेन आई हैव ट्राइड टू हाईलाइट दैट द हाउ द कैबिनेट वाज फॉर्मड बाय किंग दशरथा, लोग कहते अच्छा ये भी इसमें लिखा है, भाई ये क्या बात बनी, 5000 सालों से आपका जो सीक्रेट बुक क्या आपको मालूम नहीं किसमें लिखा क्या है? तो किसका कसूर है ये, किसका कसूर है ये? ओके, राम राज्य रिमेन्स ए पोलिटिकल एजेंडा इवन टूडे रादर देन ए विजनरी थिंग एंड इट इज इजली सेट असाइड बाई ब्रांडिंग इट एज एन यूटोपिया। एक मैंने किताब में कहीं पढ़ा था कुछ कि अगर आप किसी की बात नहीं मानना चाहते ना, उसको भगवान का दर्जा दे दो, उसको कहो कि भैया ये जो कह रहे हैं ना, ये मैं नहीं कर सकता, ये तो महापुरुष भगवान और ऐसा ही पर्सनैलिटी कर सकती है, मैं उस जैसा तो हो ही नहीं सकता, और इसकी कही बातें जो है सुनने में तो बहुत अच्छी है, हाथ जोड़कर पूजा करने के लिए भी बहुत अच्छी है, पर इम्प्लीमेंटेशन के लायक नहीं है। ये हमारी कमजोरी रही है, हमारा वीकनेस रहा है और हम अपने ऊपर जो है पर्दा डालते रहे। द रिजल्ट क्या है कि फिलोसफी एंड द विजडम जो आज हमारे स्क्रिप्चर्स में है, इट कंटिन्यूज टू रिमेन हिडन इन द स्क्रिप्चर्स एंड वी मेरली वर्शिप रादर देन फॉलो इट। एक और चीज जो मैं सुनता आया हूं या जिसको मैंने देखा है, जो सेंसिबल है, जो ईमानदार है, जो अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए वफादार है, उसको सोसाइटी ने बेवकूफ माना है। उसके घर वालों ने, उसके रिश्तेदारों ने, जान पहचान वालों ने उसको कहते रहे, ओ भाई बात तेरी ठीक है, पर थोड़ी दुनियादारी सीखो, दुनिया में रहना है तो थोड़ा सा चुस्त चलाक बनना चाहिए, और चुस्त चलाक की डेफिनेशन हमारे सामने करप्ट की लाकर सामने रख दी गई है, जिसकी वजह से गुप्ता जी आज हम एशिया में नंबर वन बनने में कामयाब हो गए। सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहता था। इसके अलावा दो तीन पॉइंट और हैं, फिर मैं इसी पीपीटी की 3 या 4 स्लाइड आपको फिर दिखाऊंगा। एक बार एक वेबिनार में मैंने और गुप्ता जी थे, उसमें हमने बात कही थी कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में कितने अमेंडमेंट हुए। गुप्ता जी ने मुझे करेक्ट किया कि 100 से ज्यादा इसको अमेंड किया है। तो उस वक्त तो मेरे को एक दो महीने पुरानी बात है, मुझे लगा यार ये क्या बात है, दिस कॉन्स्टिट्यूशन हैज टू बी अमेंडेड बाय 100 and 105 टाइम्स इन लास्ट 70 ऑड ईयर्स। बाद में मैंने महसूस किया कि इसको इसलिए अमेंड करना पड़ा क्योंकि उसमें जो है एक तो फ्लेक्सिबिलिटी तो चलो थी,
with the changing circumstances, so many changes were required in this document. तो वो एक मैं मेरे मन में बात आई, मैं अपने आप को सेल्फ करेक्ट कर रहा हूं. लेकिन आशुतोष जी आपने बिल्कुल सही बात कही थी, सांस्कृतिक मूल्य और संवैधानिक मूल्य, इन दोनों का समावेश कहाँ है? है ही नहीं है. इसीलिए मैं इस स्लाइड में ये कहने की कोशिश की, फिलोसफी एंड द विजडम कंटिन्यू टू रिमेन हिडन इन द स्क्रिप्चर्स. एक दो मैं पॉइंट जो है आपके सामने और लाना चाहता हूं, उसके लिए मैं शुरू की कुछ स्लाइड जो है उसी में है. मैंने इसको एनालाइज करने की कोशिश की है कि ये जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को इस हिसाब से देखते हैं, इसके प्रोविजंस को देखते हैं, जिसमें चार चीजें बेसिकली मैं लगी जो वाल्मीकि रामायण के साथ कोरिलेट की जा सकती, प्रीएम्बल, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. प्रीएम्बल आपको मालूम ही है, इसको मैं सिर्फ स्लाइड में मेंशन किया हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया एंड ऑल दोस थिंग्स, सोशलिस्ट वर्ल्ड जो है वो बाद में जोड़ा गया. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर्टिकल 74(1) में किस तरह से क्या प्रोविजन है, उसमें क्या लिखा हुआ है? There shall be a council of ministers with the prime minister at the head to aid and advise the president. और council of ministers का मतलब यह है कि member of parliament can be in the council of ministers. Now who can become a member of parliament? Qualifications क्या है? Citizen of India, age, voter. That's all. गवर्नमेंट सर्विस लेना हो तो जब तक आपकी पुलिस वेरिफिकेशन ना हो और जब तक ये प्रूव ना हो जाए कि आपके अगेंस्ट जो है कोई पुलिस स्टेशन में कोई चार्ज तो नहीं है, कोई एफआईआर तो नहीं है, तो आपको सरकारी अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिल सकता. लेकिन हमारे जो है पॉलिटिशियंस कितने जो है सालों से क्रिमिनल रिकॉर्ड के साथ इलेक्ट होकर आ रहे हैं और उनको सपोर्ट करने के लिए हमारे ही नेता हर बार जो है नए नए आर्गुमेंट देकर एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते आ रहे हैं. तो हम कौन सी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात कर रहे हैं व्हेन वी कंपेयर विद द वाल्मीकि रामायण? कहां पर? बालकांड में कैंटो 7 में जो राजा दशरथ की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो क्या थे उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स? एक्सेप्शनली हाई सोल्ड king, the ministers of the exceptionally high sort king knew how to weigh the pros and cons of a problem, could read the mind of others and were ever devoted to the welfare of their beloved master. चलिए ये तो एक थोड़ी सी एक language में हो गई या एक थोड़ी सी idealistic type की हो गई. इसमें council of ministers की qualifications को मैंने थोड़ा सा highlight करने की कोशिश की. Welfare of the king, which means the state, was their sole purpose. They were qualified all round, were never devoid of virtues, conversant with the principles, determining the propriety of peace and war, naturally endowed with the divine principles. ये भी थोड़ी सी idealistic सी बात हो जाती है, इसको भी हम पूरा 100% अगर ना भी लें, आगे देखिए इस सर्ग में क्या लिखा हुआ. They were capable of maintaining the secrecy of deliberations and further capable of subtle reasoning. They possessed a special knowledge of political science and always spoke kindly. कितने क्रिमिनल हैं जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या पॉलिटिशियंस हैं या मेंबर पार्लियामेंट हैं, उनको पॉलिटिकल साइंस की नॉलेज है एंड दे स्पीक काइंडली एंड दे हैव द रीजनिंग एंड दे हैव द वफादारी फॉर द स्टेट और फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री एंड द वेलफेयर ऑफ द पीपल. हाउ मेनी पॉलिटिशियंस हु वर जस्ट आई वर गोइंग थ्रू ए स्मॉल वीडियो अबाउट ए पॉलिटिशियन हाउ ही यूज्ड टू रोम ऑन ए साइकिल a couple of decades back and today he is the owner of 2,000-3,000 crore rupees property. Ab kya council of minister humne banayi hai isko, isme valmiki ramayan ke hisab se hum unke upar qualifications laga sakte the, hum unke upar restrictions laga sakte the, hum unme exceptions laga sakte the aur hain, lekin hum laga nahi rahe hain, hum qualifications bada nahi rahe hain. Humne keh diya ki age hai, voter hai, ye hai, chalo bhai aajo mere sath mil jao. तो इस तरह से राम राज्य की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंप्लीमेंट करनी हो तो बहुत कुछ जो है वो करना पड़ेगा. इसको भी छोड़ देते, आगे चलते हैं. सिलेक्शन और इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर कैसे होगा? ठीक है भाई, आपस में वो कहेंगे कि जो हमारा लीडर है, जो लीडर नॉर्मली जो है पहले से चुना हुआ होता है और हर इलेक्शन के बाद हर पॉलिटिकल पार्टी का हर टीवी चैनल के ऊपर एक रटा रटाया डायलॉग होता है जो बोलते हैं कि हमारी पार्टी का तो है कि हम बाद में सारे एमएलए एमपी जो है इकट्ठा होते हैं फिर हम यूनानिमस डिसीजन लेते हैं, जो सबको मालूम होता है कि 100% झूठ बोल रहे हैं, बिकॉज़ द लीडर हैज ऑलरेडी बीन इलेक्टेड और एक लीडर
की वजह से ही जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलए बने हैं। अगर वो लीडर ना होता तो वो भेड़ों का ग्रुप होता। एनी हाउ प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द गवर्नमेंट एंड चोजन बाई ए वोट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द गवर्नमेंट, ये भी मान लेते हैं। अब देखिए तो अयोध्या कांड में क्या लिखा हुआ कि रूलर की सिलेक्शन कैसे होगी। राजा दशरथ ने श्री राम को कैसे इलेक्ट और सिलेक्ट कर लिया? क्या उनको मालूम था कि ये भगवान है, उनके अवतार है इसलिए? क्या इसलिए कि उनके सबसे बड़ा बेटा है इसलिए, सबसे ज्यादा प्यार करते हैं इसलिए? जी नहीं। अयोध्या कांड में अगर देखें, उन्होंने सबसे पहले प्रोमिनेंट सिटीजन्स ऑफ वेरियस सिटीज की एक मीटिंग बुलाई और जिसमें रूलर्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री भी वहां पर आए। उन्होंने उनसे पूछा कि भाई मुझे बताओ, ये मेरा सबसे बड़ा बेटा, जब से ये जो है वहां से शादी करके आया है, ही इज असिस्टिंग मी इन द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, काम करते उसको एक्सपीरियंस भी हो गया है, एंड यू हैव आल्सो सीन दैट द हाउ मच डिवोटेड एंड कैपेबल इज ही। अब ये बताओ कि इसको अगर मैं अपना उत्तराधिकारी करूं, घोषित कर दूं, क्या मेरा ये डिसीजन ठीक रहेगा? और आगे क्या लिखा है, अगर ऑल्दो सच इज माई प्लेयर, लेट एनी अदर सैल्यूटरी कोर्स बी कंटेम्पलेटेड इफ दिस डज नॉट फाइंड फेवर विद यू। ओके, व्यू पॉइंट ऑफ द डिस्पैशनेट इज डिफरेंट एंड इज ऑफ मच ग्रेटर वैल्यू बीइंग एन आउटकम ऑफ कंटेंशन ऑफ टू कंफ्लिक्टिंग व्यू। क्या देखिए ये बात कही है, जो मैंने कह दिया वो ठीक नहीं है, इस चीज को कोई फॉलो कर रहा आज के समाज में, आज के देश में? जो मैं कह दिया वो ठीक है, बाकी सब गलत है, यही हो रहा है। और वो यहां पर राजा दशरथ क्या बोल रहे हैं कि व्यू पॉइंट दीजिए, उसके बिना बात नहीं करे बनेगी। और सबसे बड़ी बात है, इससे भी बड़ी बात है, वाल्मीकि रामायण के रामराज्य को हम इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, पोर्टफोलियोज का एलोकेशन कैसे होता है हमारे संविधान में? कास्ट के बेसिस पर, कॉन्स्टिट्यूएंसी के बेसिस पर, स्टेट के बेसिस पर। अगर उसमें से एलाइज है तो किसको कितने जो है मंत्री बनाने हैं। तीन पार्टीज, चार पार्टीज ने अगर आपस में गठबंधन, महागठबंधन कर लिया, किसने कौन कौन पार्टी कितनी कितनी सीट्स जीत कर आई, उसके हिसाब से पोर्टफोलियो दिया जाएगा? या कोई उनकी कोई क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए? ये ऐसा नहीं है कि अच्छा करो आज तुम डिफेंस मिनिस्टर बन जाओ, कुछ समय के बाद तुम होम मिनिस्टर बन जाना, फिर तुम फाइनेंस मिनिस्टर बन जाना। अरे यार ये कोई तमाशा है? यू आर द jack of all trades that you can handle that the each and every so crucial portfolio. इतने ही अगर हमारे मंत्री जो है काबिल होते तो हिंदुस्तान रामराज्य ना बन चुका होता। हमारे allocation of portfolio is just a mockery and allocation of portfolio, selection of ministers and their qualities, ये अयोध्या कांड के इस कैंटो में, इन सर्ग में बताई गई है। talent होने चाहिए, full of learning होनी चाहिए, उन्होंने कंट्रोल किया जाना चाहिए अपनी सेंसेस का, सीक्रेट वेल गार्डेड बाय मिनिस्टर्स, ये ऐसी उनने क्वालिटी होनी चाहिए। इस तरह की बहुत सारी क्वालिटीज अयोध्या कांड में मेंशन की गई है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट व्हेन वी रेफर टू राम राज्य और वाल्मीकि रामायण, वी सी दैट दोज थिंग्स आर एब्सोल्यूटली मिसिंग। वी हैव जस्ट कंप्रोमाइज बिकॉज द पॉलिटिशियंस दे कंप्रोमाइज अमंग्स देमसेल्व्स and we become so emotional that we are befooled by them, and the end result is that nothing happens. End result is that we progress becoming the number one country in corruption in the Asia. Perhaps our target might be to become number one country in the whole world in the future. ये सारी qualities जो है मैं पढ़ने नहीं जा रहा, अलग अलग सर्ग है, 22, 23, 24 वगैरह वगैरह वगैरह, इस सारे सर्ग, इन सारे श्लोकों में उन qualities के बारे में mention लिखा हुआ है जो एक होनी चाहिए। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, मैं अभी ये सोच रहा था, ये गुप्ता जी जब बोल रहे थे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को, आज क्या हो रहा, मास्क पहनाने के लिए जुर्माना डबल कर दो तब मास्क पहनेंगे लोग, मास्क पहनाने के लिए जेल का प्रोविजन कर दो। हम कौन से लोगों से, कौन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को खुद इंप्लीमेंट करवाने की उम्मीद रख रहे हैं? मॉरली गुप्ता जी, वी हैव बिकम सो करप्ट, so selfish, so self-centered. मुझे कभी कभी अफसोस होता है the overall level of the mentality of our the whole population. And for that, who are to be blamed? Our leaders are to be blamed. घर के बच्चे वैसे ही होंगे जैसे घर के बुजुर्ग होंगे, देश की जनता वैसी होगी जैसे देश के लीडर होंगे। तो ये जो आपाधापी है, ये एक छलावा सा जो हमारी आंखों के सामने है, it is very very disturbing and frustrating and damaging also. End result is that
ये आज हम ये मैं इसलिए रन कर रहा हूँ कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ द सेम प्रोविजंस आर देयर एंड इन वाल्मीकि रामायण आल्सो ऑल दीज हैव बीन एक्सप्लेन्ड कि दीज शुड बी द थिंग शुड बी डन बाय द स्टेट बाय द किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द सिटीजंस एंड इट एक्सपेक्ट्स फ्रॉम द सिटीजंस आल्सो द सेम थिंग. लेकिन राम राज्य की अगर हम बात कर रहे हैं इट रिमेन्स एन यूटोपिया इवन टूडे बिकॉज पॉलिटिकल लीडरशिप is neither willing to do it, nor they have the capacity to do it, nor they have the guts to do it. Samajh mein nahi aa raha kya ho raha. My presidential address is a bit frustrating because I saw a good number of small videos on Facebook and etc. Even in my college, I was feeling very bad ke I should have taken the initiative. लेकिन मैं कुछ और कामों में उलझ गया. खैर हमारे एक प्रोफेसर साहब ने इनिशिएटिव लिया. उन्होंने जो है एक वीडियो अभी शेयर की है इन विच ही इज आस्किंग द स्टूडेंट्स टू टेक ए प्लेज. लेकिन हम प्लेज से ऊपर नहीं उठ रहे हैं. नीड ऑफ द आर इज के इन सारी छुपी हुई चीजों को उबार कर पहले तो बच्चों के सामने पब्लिक के सामने लाया जाए. उनको बताया जाए कि ये ग्रंथ जो है इनको आप एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट के हिसाब से पढ़ो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटर के हिसाब से पढ़ो. इनमें जो प्रिंसिपल्स ऑफ गुड गवर्नेंस है उसके लिए गवर्नमेंट को मजबूर किया जाए कि आप धीरे 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 इनकी क्वालिफिकेशंस, इनकी रिस्ट्रिक्शंस, इन सारी चीजों को रामायण के हिसाब से इंजेक्ट करो अपनी गवर्नमेंट में. अदरवाइज ये सारी किताबें बातें रह जाएंगी. और मैं इससे ज्यादा क्या कहूँ कि इससे ज्यादा मैं और नहीं कह सकता. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच जनरल साहब. आपके बात कहने में एक बहुत खूबसूरत बात थी जिस तरीके से आपने बात की, जिसमें इस देश के लिए यहाँ के लोगों के लिए एक तरफ भाव भी है, दुख भी है और बुद्धि का भी साथ उसमें दिखाई देता है. यही अपेक्षा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर इन दोनों बातों का उन्होंने ध्यान रखा होता कि लोग सिर्फ बुद्धि से ही नहीं चलते, वो भावनाओं से भी चलते हैं. इन दोनों बातों का अगर उन्होंने ठीक से तालमेल बिठा लिया होता तो मुझे लगता है कि भारत का संविधान बड़ा श्रेष्ठ संविधान बन सकता था. लेकिन वो केवल एक बुद्धिवादी संविधान बन के रह गया है जिसको हर पॉलिटिकल पार्टी मिसयूज करती है. हर व्यक्ति जिसके पास शक्ति होती है, पावर होती है, वो उसको अपनी तरह से मैनिपुलेट करता है. और देख ही रहे हैं हम अपने चारों ओर ऐसी सारी बातें. और मैं ले दे करके उसी फंडामेंटल सवाल पे आ जाता हूँ कि कहाँ पर है, हम कहाँ चूक गए पिछले 70 सालों में कि हम एक 70 सालों में एक ऐसा व्यक्तित्व नहीं उत्पन्न कर सके, पैदा नहीं कर सके जिसके ऊपर हम फख्र कर सके, गर्व कर सके कि ये व्यक्तित्व होता है, ये एक राष्ट्रवादी व्यक्तित्व होता है. जिसको भी आप उंगली उठाने लगते हैं वही आपको दोष ही दोष दिखाई देते हैं. तो संविधान से कैसे भारतीय व्यक्तित्व की हम अपेक्षा करते हैं. आपने फंडामेंटल राइट्स भी दे दिए, उसके साथ उसके उत्तरदायित्व भी आपने लगा दिए कि ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जिनकी बात कर रहे थे गुप्ता जी. लेकिन आदमी कौन सा पैदा किया, ये एक फंडामेंटल सवाल है. मुझे लगता है आज के दिन हमें ये सवाल साथ लेके जाना चाहिए ताकि हम पुनर्विचार करें. ये वेबिनार्स इसलिए नहीं होते कि हमने कोई उत्तर ढूंढ देने हैं या हमने कोई सिद्धांत निकाल के रख देने हैं. ये हमें डिस्टर्ब करने के लिए है ताकि हम विचार करें, हम आगे विचार करने के लिए तत्पर हों, उत्सुक हों, हम जानना चाहें. और ये कोई अविश्वास के लिए भी नहीं है, केवल इसलिए है कि हम मनुष्यता को, आने वाली जनरेशन को एक सही दिशा दे सकें, एक सही सोच दे सकें. मुझे लगता है जनरल साहब कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं तो मैं फिर अपनी धन्यवाद पूजा करूंगा. बहुत बहुत धन्यवाद. एक्चुअली आपकी इस बात से मेरे को एक मन में एक बात आ गई. आप जो भी कह रहे थे, हम सभी लोग जो ये जो वेबिनार अभी अटेंड भी कर रहे हैं, हम सभी जिंदगी के ऐसे मोड पर हैं जहां पर हम सभी बहुत मैच्योर हैं, बहुत मैच्योर हैं. हमने दुनिया देख लिया है, सर्विंग में है तब भी, अगर रिटायर हो गए तब तो देख लिया. हम अपने आप में एक एग्जाम्पल बनकर समाज के सामने हमें आना चाहिए. एक ऐसे ईमानदार, ऐसे निर्भीक जो अपने देश, अपनी मिट्टी, अपनी संस्कृति के साथ प्यार भी करता है, उसको आंखें मूंद कर फॉलो नहीं करता, उसका एक रैशनल प्रोसेस जो है करके उसको उबार कर सामने रखता है कि यार ये देखो ये है हमारी संस्कृति, इसको हमें फॉलो करना है.
हम कूप मंडूक नहीं बनना है, हमें वो है अंधविश्वास में नहीं जाना, हमने अपने महान ग्रंथों को उबार उबार कर इनकी खूबसूरत चीजों को लोगों के सामने रखना और एक एग्जाम्पल बनना है। ये मैं चाहूंगा कि हम सारे लोग जो है इस तरह से जुड़े। आज इस सेमिनार में 50 हैं, पहले किसी सेमिनार में भी इसी तरह से लोग होते थे। धीरे 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 जो है एक लहर जो है चलती रहेगी। जी जी बिल्कुल सही कहा आपने, और मैं अपेक्षा यही करता हूँ हर सेमिनार से, अपेक्षा यही होती है कि हम कुछ नए प्रश्नों को उत्पन्न करें, नए तरीके से देखने की कोशिश करें और अपने दृष्टिकोण को व्यापक करने का प्रयास करें। अन्यथा तो एक रेपिटेशन में तो चल ही रहा है, बातें होती रहेंगी, लेकिन अगर हम संवेदनशील नहीं होते, अगर हम हमें एक वो समझ नहीं आती, अगर वो इंटेलिजेंस नहीं आती, मुझे लगता है कि हम देश का कोई हित नहीं कर रहे हैं। अपनी औपचारिकताएं जरूर पूरी कर रहे हैं, अपनी रोटी पानी पूरी कर रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा हम कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। तो इन बातों को हम ध्यान रखें, गंभीर हों, समझने का प्रयास करें और इन विषयों के ऊपर बार बार चर्चा करें। और संस्कृत के लोगों से तो मेरा हमेशा आग्रह रहता है कि इस संस्कृत को कृपया संस्कृत के रूप में ना पढ़ाएं, उसमें जो निहित तत्व हैं, निहित जो बातें हैं, उनको उभारें। ये बार बार उसी तरह की बात करना कि भाई उस कवि ने ये कह दिया, फलाना कह दिया, उससे कुछ नहीं सिद्ध होगा जब तक कि आप उसकी एप्लीकेशन एरिया नहीं लाएंगे। दूसरों को अगर आप चुनौती नहीं देते, सोशल साइंटिस्ट को चुनौती नहीं देते, आप बाकी विषयों को चुनौती नहीं देते, तो कोई अर्थ नहीं रह जाता उस संस्कृत का। केवल आपकी नौकरी तो हो सकती है, लेकिन वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा जो करना अपेक्षित था। तो कुल मिलाकर के हमारा आज का, मुझे लगता है ये प्रयास सफल रहा है कि हमने कम से कम एक अलग विषय पर चर्चा की है कि संविधान और राम राज्य। और शुक्र है कि ये भी किसी ने ये नहीं कह दिया कि ये हिंदूवादी एजेंडा था या ये नॉन सेकुलरिस्ट एजेंडा था या बीजेपी का ठप्पा नहीं लगा दिया। लेकिन चलिए, विचार करने के लिए हम सभी उत्सुक हुए, हम लोगों ने अपनी दृष्टि से जितना हम कर सकते थे तो वो करने का प्रयास किया है, और आप सबका उसमें सहयोग रहा है। उसके लिए मैं आप सबका नेशनल कैडेट कॉर्प्स की ओर से, डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत की ओर से, ह्यूमन डेवलपमेंट पॉलिसी रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर की ओर से, एसटी कॉलेज अम्बाला कैंट की ओर से, एमडीएसटी गर्ल्स कॉलेज अम्बाला सिटी की ओर से आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। डॉक्टर रविंद्र कुमार गुप्ता जी का, जिन्होंने बहुत सारे प्रमाण हमारे सामने उपस्थित किए कि उस वक्त भी प्रश्न तो उठाए गए लेकिन उनको दरकिनार कर दिया गया, और जनरल साहब ने जो बातें भाव से और बुद्धि से दोनों से जो रखी हैं उसके लिए वो बहुत प्रशंसा के पात्र हैं। और उसके अतिरिक्त हमारे साथ जिन लोगों ने धैर्यपूर्वक इन सब बातों को सुना है और बहुत सारी अपनी कमेंट्स हमारे साथ शेयर किए हैं, मैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे साथ मनमोहन शर्मा जी दिल्ली से, डॉक्टर सुभाष जी रोहतास जी, डॉक्टर रमेश कुमार मदान जी जो हेड हैं पॉलिटिकल साइंस के, डॉक्टर जसविंदर जी, डॉक्टर अनीता जी, और भी बहुत सारे लोग, सभी का नाम लेकर के मैं बहुत व्यापक बहुत समय नहीं लेना चाहता, लेकिन आप सभी के प्रति मैं अपना आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सभी लोग जुड़े। हमारे जो कैडेट्स जुड़े हैं उनके प्रति भी मैं अपना आभार व्यक्त करता हूँ, और निश्चित ही हम जल्दी ही आगे के कुछ और विषय लेने लग जाएंगे जो बड़े इसी तरह के कंट्रोवर्शियल से भी होंगे, जहां पर बुद्धि का प्रयोग आपको अधिक करना होगा। और मैं चाहूंगा कि अगर आप लोगों के पास कोई ऐसे विषय हैं जहां आप हमारी सहायता कर सकते हैं, हमें जरूर अवगत कराएं ताकि हम उन विषयों पर भी चर्चा कर सकें। आशुतोष जी, जी सर, एक पॉइंट ऐसे ही है, आज मैं भी एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि कौन सी चाइनीज ऐप कितनी और बैन कर दी गई है वगैरह वगैरह वगैरह। ये जो सारा मामला इंडिया और चाइना का जो चल रहा है ना, उसमें मेरे को किसी ने कहा था, मैंने अभी एक बॉम्बे में एक सेमिनार में मैंने एक प्रेजेंटेशन दी है चाइना के ऊपर, सो माई प्रेजेंटेशन इज रेडी। सो आई से कि ये इसमें ना मामला बहुत गहरा है, बहुत सीरियस है, और हमें जो है ना वो हमारे हाथों में जो ऐप का झुंझना है ना, हमें उससे ऊपर निकलकर सोचना चाहिए कि मामला कितना सीरियस है। जी जनरल साहब, बात पता क्या है,
हाँ, जिसे हम पॉलिटिक्स कहते हैं ना, अखबारों में जो आता है, टीवी पे जो आता है, वो पॉलिटिक्स के बाहरी रूप है। अंदर जो पॉलिटिक्स चल रहा होता है उसको समझने वाले तो बहुत रेयर लोग हैं। मैं चाहूंगा कि लोगों को थोड़ा पता चले कि ये मामला बहुत 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 सीरियस है। तो जी 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 बिल्कुल यू गिव मी जस्ट 48 आवर्स नोटिस एंड माई प्रेजेंटेशन इज रेडी। जी, ठीक है, इसको हम देखते हैं अगले हफ्ते में, इस इश्यू को लेते हैं कि इंडिया और बहुत आवश्यक है ये। जी धर्मवीर जी। जी सर, ये मैं जी अभी सर, जो इनका भाषण सुना है जी बहुत ही सर, प्रभावी है और झकझोरने वाला है, झकझोरने वाला है। जी जी भारतवासियों, अब भी जाग जाओ, नहीं तो बस आगे क्या होगा, इतिहास दोहराता रहेगा। धन्यवाद। धन्यवाद धर्मवीर जी। बस यही चाहिए कि एक में भावना उत्पन्न होती है और उसे हम बुद्धि से प्रेरित कर लें, तो मुझे लगता है कि यही हमारे वेबिनार की, परिचर्चा की यही सफलता है। और इस सफलता के लिए आप सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ, नेशनल कैडेट कोर्प्स की ओर से और बाकी सभी संस्थाओं की जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो निश्चित रूप से दोबारा फिर हम कुछ नए विषयों पर मिलेंगे, और चाइना और इंडिया रिलेशनशिप पे भी, और इसके अतिरिक्त कुछ एक अन्य अलग तरह के विषय हैं उन पे भी हम बहुत जल्दी चर्चा करेंगे और आप लोगों को मैं सूचित करूंगा। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और यदि किसी ने वो लिंक नहीं भरा, रजिस्ट्रेशन लिंक नहीं भरा है, तो कृपया अपना रजिस्ट्रेशन लिंक भर दीजिए और उसके बाद आप लोग इस मीटिंग को छोड़ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू डॉक्टर रविंद्र कुमार गुप्ता जी, थैंक यू जनरल सर, सभी लोगों की तरफ से थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत मुबारकबाद। और देखिए सभी साथियों को मालूम है कि नहीं, आशुतोष जी अपनी तबीयत थोड़ी बीच में नसाज थी, उर्दू का लफ्ज है नसाज, नसाज बावजूद जो है ये इन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। अब इनकी तबीयत ठीक हो जाएगी आज के वेबिनार के बाद, ये इनका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, क्योंकि उत्साहवर्धक इन्होंने बातें सुनी है आपसे सर। धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। चलिए ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू नरेंद्र जी, धन्यवाद। चलिए फिर मिलते हैं।